गुड इवनिंग। सो स्टार्ट करते हैं। तो पेपर दिख रहा है तुम लोग को, ये 2005 वाला है। तुमने लास्ट क्लास में 2007 वाला डिस्कस किया था। ये डिस्कस किया था। बताओ इसमें डाउट्स बताओ, 2007 वाले पेपर्स में जो जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं। सर 2 नंबर क्वेश्चन एक कीजिए तो जरा नहीं हो पा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन। ओके तो एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ दिस, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस साइन। सो टू इज दिस एफ एक्स, एफ मैं लिखता हूँ। अल्फा एक्स नॉट रेस टू पावर अल्फा अपॉन एक्स रेस टू पावर अल्फा प्लस वन। जब एक्स एक ग्रेटर देन एक्स नॉट से है ना, जब एक्स मोर देन है एक्स नॉट से। वाई है एल एन एक्स अपॉन एक्स नॉट, ठीक है। वाई इज एल एन नेचुरल लॉग एक्स अपॉन एक्स नॉट, ठीक है। तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी वाई मोर देन थ्री क्या होगा। प्रोबेबिलिटी कैपिटल वाई मोर देन थ्री क्या होगा। तो मैंने कहा वाई की जगह ये रख दो, जो भी आपको गिवन है जस्ट पुट इट। सो एल एन कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है, एक्स नॉट कोई कांस्टेंट है, दिस इज मोर देन थ्री। अच्छा, लॉग फंक्शन जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्योंकि लॉग फंक्शन का डोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जरूरत क्यों पड़ रहा है, लॉग या लॉग बेस ई को ही हम एल एन बोलते हैं। तो ये बस रिमार्क लिख रहा हूँ मैं। एफ एक्स है और इसका डोमेन जो होता है मोर देन जीरो है, तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं जो 1/x आता है। और चूंकि एक्स पॉजिटिव है इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा, और जब भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग होने से क्या फ़र्क पड़ता है, जो इनइक्वालिटी है वो सेम रहती है जब आप कोई टर्म इधर उधर करते हो। सो फॉर एग्जाम्पल ये एल एन जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसीलिए क्या होगा, एल एन उधर जाएगा तो ई बन जाएगा। तो एक्स अपॉन एक्स नॉट इज मोर देन ई रेज टू पावर व्हाट थ्री। सो एल एन जब उस साइड जाता है तो ई बनता है, ई और एल एन नेचुरल लॉग। लॉग जो है एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, जैसे स्क्वायर है तो राइट में रूट हो जाता है, रूट है लेफ्ट में तो राइट में स्क्वायर हो जाता है, उस तरीके से लॉग है तो राइट में जाकर पावर ई हो जाएगा। बेस जो भी है वो एल एन में बेस ई है। अच्छा, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ता है। जैसे मोर देन था तो मैंने फिर से मोर देन लिखा है, क्योंकि एल एन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उधर भेजने पर राइट साइड भेजने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स मोर देन एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है, आई थिंक पॉजिटिव गिवन होगा, ठीक है। पॉजिटिव इसलिए गिवन है ताकि इस तरफ शिफ्ट करोगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नेगेटिव को शिफ्ट करोगे फिर इनइक्वालिटी चेंज कर देगा नंबर। इनइक्वालिटी में अगर नेगेटिव नंबर इस साइड से उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई होकर या डिवाइड होकर, तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ई रेस्ट टू पावर थ्री। अब मुझे एक्स का पीडीएफ पहले से ही पता है, अब मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी मोर देन दिस। तो जब भी प्रोबेबिलिटी मोर देन दिस, इसका मतलब है पीडीएफ को मुझे इंटीग्रेट करना है इस लिमिट से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि लेस देन कुछ नहीं है तो बाई डिफॉल्ट इन्फिनिटी है। और पीडीएफ जो यूज़ कर लेते हैं, अल्फा एक्स नॉट की पावर अल्फा, सो अल्फा एक्स नॉट की पावर अल्फा और अपॉन एक्स की पावर अल्फा प्लस वन। एक्स की पावर अल्फा प्लस वन डी एक्स। बट ये ध्यान रखना है कि यहाँ एक्स नॉट से स्टार्ट था लिमिट,
और एक्स नॉट ई की पावर 3 कहीं ना कहीं एक्स नॉट से ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ई 2.718 होता है। ओके, अब ये इंटीग्रेट करना है खाली आपको। अब तो इसमें देखो वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक्स है, तो बाकी कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो, तो ये हो गया। और ये लिमिट है एक्स नॉट ई की पावर 3 से इन्फिनिटी 1 अपॉन x की पावर α+1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, जैसे भी करना चाहो। तो इसको आप ठीक से लिखोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर -α+1। अब इंटीग्रेशन आपको आता होगा, इंटीग्रेशन करके पुट कर दो। चलो पूरा कर ही देते हैं। सो अल्फा एक्स नॉट की पावर अल्फा इंटू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बताओ मुझे, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा? x^n+1 by n+1। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, एन मान लो -α+1 को, x की पावर -10, ये एन हो गया, मतलब पावर एन है, ठीक है, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, एन की जगह ये है -α+1। और इसकी लिमिट है x0e की पावर 3 से इन्फिनिटी। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सो अल्फा x0 की पावर अल्फा, एक्स की पावर खोल ओपन करने में क्या होगा, -α -1+1, तो बचेगा सिर्फ -α, और नीचे भी -α ही रहेगा। तो इस -α को आप बाहर भी बुला सकते हो, जो नीचे वाला -α है इसको बाहर बुला, क्योंकि लिमिट क्या है, एक्स पे है, तो ब्रैकेट में सिर्फ एक्स रखो। तो इसको और ठीक करोगे तो ये हो जाएगा x0e की पावर 3 से इन्फिनिटी है। तो और ठीक से लिखोगे तो x की पावर -α का मतलब हो गया, यहाँ तो ये कट गया, तो माइनस अभी x0 की पावर α, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन x की पावर α। लिमिट है x0e की पावर 3 से इन्फिनिटी, तो क्या होता है इंटीग्रेशन में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करो 1 अपॉन x की पावर α, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, एक्स की जगह इन्फिनिटी रखनी है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होती है, जीरो अप्रोच करेगी जीरो को, माइनस लोअर लिमिट। सो 1 अपॉन x0e की पावर 3 है और इसकी पावर अल्फा लगानी है, ठीक है, एक्स के प्लेस पे हमें लिमिट रखना होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये -x0 की पावर α पहले से है, ये -1 अपॉन, यहाँ हो जाएगा x0 की पावर α e की पावर 3 α, तो ये वाला और ये वाला तो हो गया कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 अपॉन e की पावर 3 α, ऐसा कुछ। तो इसको और ठीक से लिखोगे तो ये हो जाएगा, ऊपर बुला लो, -3 α। सो दिस इज आंसर, e की पावर -3 α। सो दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, कौन सा ऑप्शन है, सी है ना? ठीक है, सो वाई पुट किया, देन थोड़ा सा इनइक्वालिटी है, फिर इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन आता ही आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। और जो लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, बिलीव मी तुम्हारा इस बार एग्जाम होगा, ठीक है, जो खुद से अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में भी यही सब आएगा, ठीक है, पूरे दिल से अच्छे से प्रीवियस ईयर कर लो। बहुत सारे लोग कर भी नहीं रहे, अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करते, 8-10 बच्चे। ट्वेंटी 21। ओके, x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग द PMF दिस। ओके, और इस बार का मुझे क्या लग रहा है, कम से कम हमारे यहाँ 10 बच्चे होंगे जो किसी न किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे। पिछले बार क्या था, 3 IIT बॉम्बे में, ASI में, और 3 NIT त्रिची में, MSc कंप्यूटर साइंस ना कानपुर में, सर कोई ना, कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है ना, आई थिंक मोस्ट एटलीस्ट 10% शुड बी गेटिंग एडमिशन समवेयर। सो इट है ना, इट इज़ यू हू हैव टू डिसाइड वेदर आर यू दैट पर्सन और नॉट। सो x1 x2 xn बी द रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग द PMF दिस वेयर, ठीक है, सो दैट दी इज कंप्लीट सफिशेंट स्टैटिस्टिक्स फाइंड द यूनिफॉर्म मिनिमम वेरियंस एंड वाइस एस्टिमेटर ऑफ दिस। ओके, तो सिंपल हम जैसे कॉन्टिन्यूअस के लिए करते हैं,
वैसे करके देखते हैं कि एक्स का लिमिट क्या है, मोर देन जीरो, लेस देन इन्फिनिटी और डिस्क्रीट वैल्यू है। सो अकॉर्डिंग टू मी शुड बी एक्स बार, इसमें कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस क्या होगा? सर ये मेरा सफिशिएंट पॉइसन फॉलो एक्साइड, कर रहा है, ये ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है, तो समेशन एक्स आई मेरा कंप्लीट है, ये तो दिख रहा है यहाँ से, मतलब पिटमैन कुकमैन थ्योरम से, सर इसको हाँ और पाई इसका एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिप्शन ओपीएफ के फॉर्म में लिख देंगे। मैं सॉल्व करता हूँ इसको, अच्छा एक्चुअली ऑफिशियल आंसर की नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो जस्ट वेरीफाई, ये देखना पड़ेगा अवेलेबल है तो। सफिशियंट कंप्लीट तो प्रूव करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो हम प्रूव कर लेंगे। हाँ पिटमैन कुकमैन वाला थ्योरम था ये, वही एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला, तो उससे हम प्रूव कर देंगे। फिर लेवन सफिशियंट थ्योरम इसमें लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन है? सर इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं, समेशन एक्स आई मेरा ज्योमेट्रिक फॉलो कर ये एक्स मेरा ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है, तो समेशन एक्स आई निगेटिव बाइनोमियल फॉलो करेगा, और फिर उसी का मीन निकाल लेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो टी निकल गया ना, तो फिर उसके मीन तो हम निकाल सकते हैं का मीन क्या सबका। होगा, एक्स का मीन क्या होता है, ईच एक्स आई हैज मीन व्हाट, किसी एक्स रैंडम वेरिएबल है उसका मीन क्या होगा? यहाँ पे हो वन जाएगा माइनस थीटा बाई थीटा होगा। हाँ सर, क्यू क्यू बाई पी होता है। ये फॉर्म देख लेना कौन सा वाला फॉर्म है, तो जीरो से स्टार्ट है, क्यू बाई पी हो जाएगा, वन माइनस थीटा बाई थीटा। ओके तो ये तुम्हारा समेशन एक्स आई का मीन क्या आएगा, टी का मीन क्या होगा? एन मल्टीप्लाई बाई यही हो जाएगा, क्यू बाई पी। तो ये जीत ओके। देखो तो ट्वेंटी फर्स्ट, तो हमारे पास ईच एक्स आई का पीडीएफ पता है, एंड दैट इज थीटा सो ये क्या होगा, थीटा इंटू वन माइनस थीटा की पावर एक्स है, और एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे एक्स 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है? ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, एक्स है ना डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, सो नो प्रॉब्लम। तो हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिख सकते हैं, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई, बाई द वे ये पी एम एफ है तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ, सो आई बराबर 1 to n है ना एफ एक्स आई, क्योंकि n रैंडम वेरिएबल होगा, डेफिनेशन होता है, तो प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा की पावर n, और प्रोडक्ट होगा तो दिस थिंग विल मल्टीप्लाई, पावर पावर ऐड हो जाएगा ना, जब बेस सेम है तो पावर पावर ऐड हो जाता है, ये होगा 1 माइनस थीटा इसकी पावर समेशन एक्स आई, है ना आई फ्रॉम 1 to n, सो ये तो लाइकलीहुड फंक्शन आ गया, ठीक है? ईच एक्स आई इज मोर देन 0 1 2 है ना, 0 to infinity होगा डिस्क्रीट वैल्यूज, इसको एक्सपोनेंशियल फैमिली में कन्वर्ट कर सकते हैं, या पिटमैन कुपन जो बोलते थे, एक्सपोनेंशियल फैमिली क्या, ई एक्स पी
देन exp ऑफ लॉग, लॉग ले लोगे तो n लॉग थीटा प्लस समेशन एक्स आई लॉग वन माइनस थीटा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग, एक्सपोनेंशियल लॉग इनवर्स फंक्शन है वही, e की पावर, एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर, तो सिंप्लीफाई करो तो एक्सपोनेंशियल, ये ओनली थीटा इन्वॉल्व कर रहा है, इसको इसको चाहो तो ओपन कर सकते हो क्या, लॉग मैथ नहीं कर सकते, इस टर्म को ध्यान से देखो आप. सो दिस टर्म इन्वॉल्व्स, है ना, सो ऐसा होता है ये ओनली फंक्शन ऑफ थीटा है, तो मुझे इंटरेस्ट उस टर्म में होता है जिसमें थीटा के साथ एक्साइज का टर्म है, जो भी एक्साइज का टर्म होता है वो क्या होता है, कंप्लीट सफिशिएंट, या डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, है ना, ये तो मैंने ऐसे लाइकलीहुड से किया है, और डायरेक्टली भी हम कर सकते थे एफ एक्स को करके, तो यहाँ से सफिशियंट होगा एक्चुअली, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन थ्योरम में यूज़ करने लगा हूँ. सो ओके, तो दिस क्वांटिटी डायरेक्टली फैक्टराइजेशन थ्योरम से तुम ये बोल पाओगे t इज इक्वल टू जो समेशन एक्स आई है, दिस इज सफिशियंट. हाँ, नहीं तो दूसरा तरीका था, जैसे ये है ना, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फैमिली के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, e टू द पावर लॉग थीटा, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग थीटा प्लस एक्स लॉग वन माइनस थीटा, वही मैं वहाँ कर रहा था, वो हमने फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा, इसकी जरूरत नहीं है बाय द वे, अभी डायरेक्टली हो जाएगी, इसकी जरूरत नहीं है, सही है गलत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, यही से हम बोल देंगे. तो क्योंकि मैं यहाँ लाइकलीहुड फंक्शन लिखा था, तो फैक्टराइजेशन थ्योरम से वो प्रूव हो गया, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दोनों एक साथ निकाल लेंगे, लॉग वन माइनस थीटा एंड लुक एट दिस क्वान्टिटी. सो ये जो भी होता है, जैसे सो इसका समेशन ले लेते हैं, समेशन एक्स आई आई फ्रॉम वन टू एन, या जो भी है, एक्स है थीटा वाले फंक्शन के साथ, सो हमारे मैंने बताया तुम्हें एफ थीटा हो गया, ये कुछ क्वांटिटी बोल दो इसको, है ना, यू कैन समथिंग से टी एक्स या डब्लू एक्स समथिंग, सो उस केस में जो समेशन डब्लू एक्स आई होगा वो हमारा कंप्लीट सफिशियंट होगा, उसकी कंडीशन ये था, तो वो जो थीटा का जो रेंज है, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो क्वेश्चन में दिया होगा, थीटा की पॉसिबल वैल्यू है 0 to 1, तो इसका एक इसमें ये था कि रेंज स्पेस ऑफ थीटा मस्ट कंटेन एन ओपन इंटरवल इन आर, ओपन सेट इन आर, तो ऑब्वियसली इसका एक ओपन सबसेट मिल जाएगा, क्योंकि खुद एक ओपन सेट है, तो इसका कोई एक ओपन सबसेट मिलेगा, सो दैट्स व्हाई इट इज कंप्लीट, सो दिस इज सफिशियंट एंड कंप्लीट, वो जो थ्योरम था उस थ्योरम से. सर वो ओपन सबसेट वाला क्या बोले, सर वो रिपीट कर दीजिए ना उसको. अच्छा पहले सिवन, तुम क्लास कैसे ज्वाइन कर लिए भाई, तुमने सोल्यूशन तो भेजा नहीं. नहीं सर, एक्चुअली सर थोड़ा बाहर थे सर, इसीलिए आज सर बना के सर रात तक भेज देंगे सर आपको. नहीं भाई, तीन पेपर कैसे तुम सॉल्व कर दो एक रात में, इतना नहीं सर, 2007 वाला आज बना देंगे सर, और कल आपको 5 और 6 बना के भेज देंगे. ओके यस, तो अरे इसमें ये थीटा की वैल्यू क्या है, 0 to 1 ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सो ये 0 1 एक ओपन इंटरवल है, इसका इसके इनफिनिटली मेनी ओपन सबसेट्स होंगे, सबसेट होंगे ना. यस सर, वो हाफ टू वन ले लो, या हाफ टू कुछ ले लो, है ना, या 1/3 से 1/4 इस तरह से, तो वो थ्योरम का स्टेटमेंट था कि इफ़ यू कैन फाइंड सबसेट ऑफ पैरामीटर स्पेस मस्ट कंटेन सबसेट ऑफ आर के, अगर के पैरामीट्रिक फैमिली है, तो यहाँ सिंगल पैरामीटर एक पैरामीटर है, तो जो इसको बोलते हैं थीटा बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब है कि रेंज स्पेस ये हो गया, किसका रेंज स्पेस, पैरामीटर स्पेस, पैरामीटर का, सो दिस शुड बी, दिस शुड कंटेन एट लीस्ट वन ओपन सबसेट ऑफ आर, दैट्स व्हाई इट इज कंप्लीट. ओके सर, तो सफिशियंट कंप्लीट हो गया, एंड फाइव ओके, अब ई ऑफ टी बताओ मुझे सर, न्यूमन फैक्टराइजेशन थ्योरम से क्या मिलता है, मिनिमल सफिशियंट स्टैटिस्टिक मिलता है. लेकिन जैम में मिनिमल उनमें नहीं है, तो हमने जैम में ओनली सफिशियंट है. हाँ, तो मिनिमल मतलब क्या बोलते हैं, न्यूमन फैक्टराइजेशन थ्योरम से जो भी स्टैटिस्टिक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक मिलेगा वो हमारा मिनिमल सफिशिएंट होगा, और जो एक्सपोनेंशियल फैमिली से जो भी स्टैटिस्टिक मिलेगा वो हमारा कंप्लीट सफिशिएंट होगा. ठीक, लेकिन अभी सिर्फ सफिशिएंट रखना, तो क्यों बाकी बच्चों को डरा रहे हो, सो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट मिनिमल सफिशिएंट, ठीक है, वी ओनली नो अबाउट सफिशिएंट, सो दिस इज फाइन. What is mean of each xi? 1 minus theta by theta. तो हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसके लिए ये हमारा क्या हो जाए,
थीटा आ जाए, तो ये हो गया एन टाइम थीटा अपॉन वन माइनस थीटा, लेकिन मुझे तो चाहिए था थीटा, तो ऐसा क्या लूंगा? हाँ उल्टा हो गया, ऊपर वन माइनस थीटा होगा, वन माइनस थीटा अपॉन थीटा, ओके। तो ई ऑफ टी इज इक्वल टू, चलो एन को इधर बुला लो, एन को लेफ्ट में बुला लो क्योंकि एन नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन माइनस थीटा अपॉन थीटा, इसको लिख सकता हूँ मैं वन बाई थीटा माइनस वन, फाइन। देखो जो लेमन सर्फेस थ्योरम क्या कहता है, तुम्हारे पास एक कंप्लीट सफिशियंट स्टैटिस्टिक्स है टी यहाँ पे है, तो टी के टर्म में एक ऐसा फंक्शन ढूंढो, टी का फंक्शन जिसका मीन लेने पे थीटा आ जाए, तो वो जो फंक्शन तुमने ढूंढा है वो तुम्हारा यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरियंस अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो मैं अभी ऐसा लेफ्ट साइड को कन्वर्ट करूंगा ताकि राइट में सिर्फ थीटा बचे, राइट साइड में क्या हो, सिर्फ थीटा हो, तो ऐसा हमें करना पड़ेगा। कोशिश करके देखते हैं। सो ई ऑफ टी अपॉन एन कितना आया, सो यहाँ चलो प्लस वन कर दिए, तो यहाँ वन अपॉन थीटा आ गया, लेकिन हमें तो थीटा का चाहिए था ना, वी वन फॉर थीटा, यू एम वी फॉर थीटा। तो ये जो है ये ना लेमन सेफ थ्योरम से ही लगेगा, क्योंकि अगर इसको इन्वर्स कर देंगे तो वहां से तो गलत हो जाएगा ना, और तरीके से ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो आंसर आया तो उसी वे से हो रहा है, ओके, तो वो टी भी लेके अगर सॉल्व करने का ट्राई किया ना तो भी वो थीटा थीटा का फंक्शन इसे सेपरेट नहीं हो रहा है, मतलब थीटा सेपरेट फॉर्म में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो आया t प्लस एन अपॉन एन या t बाई एन प्लस वन, दिस इज यू एम भी यू ई ऑफ वन बाई थीटा हो गया, ठीक है। तो लेकिन हमें तो थीटा चाहिए था, तो क्वेश्चन है यहाँ थीटा कैसे आएगा, अब यहाँ रिवर्स तो कर नहीं सकते क्योंकि एक्सपेक्टेशन की ऐसी प्रॉपर्टी है नहीं, तो हमें कोई और वे में सोचना पड़ेगा, मतलब t का फंक्शन हम एक ऐसा हिट एंड ट्रायल से या डेफिनेशन से। सो सर्चिंग दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क, है ना, तो उससे लंबा टाइम लगेगा उसमें फिर, क्योंकि अच्छा ये सब्जेक्टिव रहा होगा, तो सब्जेक्टिव में तो उस तरह उस टाइम आते थे, अब तो नहीं आएगा, लेकिन ओके। सो क्या करें फिर, यू एम यू के एक तो ये थ्योरम है, एक वो वाला थ्योरम है तुम्हारा, लेकिन क्वेश्चन एस्टिमेटर ही ढूंढना, अगर प्रूव दैट होता कि प्रूव दैट दिस इज द कंप्लीट सफिस मतलब यू एम भी हुई, तो हम जैसे क्रेमर ऑल ओवर बाउंड है उस पर सोच सकते थे, इससे हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई भी कर सकते थे किसमें, जैसे अगर शो करने बोलते तो डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन अप्लाई करके भी शो कर सकते। कंप्लीट सफिशिएंट दिखा दिया टी को और फिर उसका सिर्फ एक्सपेक्टेशन ले लो, अगर थीटा आ गया तो काम हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेशन से, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड दैट एस्टिमेटर, कि ऐसा क्या है टी के टर्म में, तो यहाँ लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि हमें एक फंक्शन ढूंढना है, मान लो फंक्शन का नाम मैं जी देता हूँ, तो मुझे एक जी ऑफ टी ढूंढना है इस तरीके से कि मैं एक्सपेक्टेशन लो उसका तो थीटा आ जाए। सो आर क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट जी टी, क्वेश्चन ये है कि वो जी टी क्या है, व्हाट इज दैट फंक्शन जी, ये चाहिए मुझे, ठीक है। हमारा अभी जो हमने जो किया है वो वन बाई थीटा आ गया, इसका मतलब है कि टी अपॉन एन प्लस वन जो है यू एम वी ऑफ वन बाई थीटा हो गया, ओके। सो प्रूफ करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब सोचना पड़ेगा इस पर। सो यू कैन अप्लाई द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरियंस अनबायस्ड, पहले तो अनबायस्ड होगा और दूसरा वेरियंस का मिनिमम होगा। सो हाउ टू डू, किसने किया है सर, से किया, मतलब एक जी ऑफ फंक्शन डिफाइन किया है क्या, वन मान लो जी टी, हाँ वन जी ऑफ एक्स है, ओके जी ऑफ एक्स, ठीक है, वन वन कॉमा प्रोबेबिलिटी एक्स वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, ऐसा हाँ अंतर एक्स वन इक्वल्स टू जीरो, ओके ओके जीरो अदरवाइज, इस तरह से इंडिकेटर, हाँ, और फिर जीरो अदरवाइज,
और इसका कंडीशनल एक्सपेक्टेशन लेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स तो उससे मिल जाता है वो। ओके चलो मैं ठीक है इसको ट्राई करूंगा, मैंने ट्राई नहीं किया है, सो आई विल ट्राई एंड गेट बैक टू यू नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मुझे अभी सोचना पड़ेगा हाउ टू डू। अभी जो हमने फाइंड किया है वो क्या आया, वन बाई थीटा का आया है, लेकिन मुझे टी का कंस्ट्रक्ट करना है, सो आई विल थिंक। ओके क्लास पहले आपने वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का भी ऐसा निकाला मतलब किया था ना, वैसे भी ट्राई कर सकते, ऐसे मैंने ट्राई नहीं किया बट जैसे इधर ही समेशन अप्लाई करके फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं जी ऑफ टी फंक्शन निकालना अपने 2021 के पेपर में। अच्छा तो इस पर डेफिनेशन लगा के हम कर सकते हैं एग्जैक्टली, सो डेफिनेशन लगा के फिर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने 21 वाले में ऐसा किया था कि यू अप्लाई द डेफिनेशन फिर टी आ जाएगा, एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया है राइट, सो 21 में ऐसा आया था, सो यू यूज द डेफिनेशन एंड देन यू ट्राई इट टाइम लगेगा। ओके ठीक है, क्योंकि अभी करूँगा तो मैं काफ़ी टाइम ले लूँगा क्योंकि मैंने पहले किया नहीं है, सो पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ देन आई विल डिस्कस। तो इसको ना कल बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर है 21। ठीक है तो इसको मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ। डिफरेंस ये है कि लेमन सेफी सिर्फ वेरिएंस की बात करता है कि लाइक कोई एस्टिमेटर है थीटा कैप, तो थीटा कैप का वेरिएंस और एक एस्टिमेटर तुम्हारे पास थीटा कैप तो है ही पहले से, वो कि अनबायस्ड, एक्चुअली थीटा कैप एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो जो राव ब्लैकवेल वेरिएंस या एक्सपेक्टेशंस वेरिएंस, सो जो राव ब्लैकवेल है वो कुछ ऐसा कहता है कि लाइक तुम्हारे पास एक थीटा कैप अनबायस्ड एस्टिमेटर है किसी पैरामीटर थीटा का मान लो, और एक तुम्हारे पास ब्लैकवेल थ्योरम में बस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऐड हो जाने पर लेमन सेफी थ्योरम हो जाता है, सारा कंडीशन सेम रहता है। थीटा कैप गिवन टी, एक ये जो है ये भी तुम्हारा एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, तुम इसको प्रूव कर सकते हो, तो यहाँ कंडीशन ये है कि ये तुम्हारा थीटा आएगा और टी जो होगा वो सफिशियंट स्टैटिस्टिक्स होगा, सफिशियंट है ठीक है। तो इस केस में ये कहना चाहता है कि वेरिएंस ऑफ थीटा कैप गिवन टी विल बी लेस देन वेरिएंस ऑफ थीटा कैप, तो ये वेरिएंस को कम करता है, ये बोलता है कि अगर तुम थीटा कैप तुम्हारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर था, अगर तुम उसका कंडीशनल वेरिएंस लोगे, मतलब ये एक नया एस्टिमेटर, इसको नया नाम दे सकते हो, यू कैन रीनेम इट थीटा वन टाइप से, तो ये जो थीटा वन ये नया एस्टिमेटर आया, इस एस्टिमेटर का जो वेरिएंस होगा वो कम होगा थीटा कैप के कंपैरिजन में, फिर इसमें क्या होता है टी में बस कंप्लीट ऐड कर देता है, तो ये बोल देता है कि ये जो तुम्हारा तो इसका यूज होता है उसमें लेमन सेफी थ्योरम में प्रूफ करने के लिए। अब यहाँ सफिशियंट है वो कंप्लीट भी हो गया, तो उस केस में उसका जो फंक्शन होगा दैट विल बी द यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस का मतलब क्या है, हमें वेरिएंस को मिनिमाइज करना है जितना कर सकते हैं, तो राव ब्लैकवेल उसी में हेल्प करता है टू मिनिमाइज इन मिनिमाइज द वेरिएंस। ओके सर ठीक है इसको सॉल्व करो, जिन लोगों ने सॉल्व किया लाइक श्रुति बता रही थी तुम सॉल्व करके भेजना मुझे, आई विल सी, और 21 में एक क्वेश्चन हमने किया था मुझे याद आ रहा है, हाँ तो उस तरीके से करेंगे, तो काफ़ी कैलकुलेशन था मैथमेटिकल कैलकुलेशन फिर समेशन यूज करके एंड ऑल दैट, यस मैंने पॉइजन का किया था लास्ट टाइम, 21 में जो आया था पॉइजन के लिए आया था राइट। ओके सो 21 करेंगे इसको, मतलब ये वाला 21 क्वेश्चन जो है 2007 का है, लेकिन इसी टाइप का 2021 में एक क्वेश्चन आया था जो पॉइजन रैंडम वेरिएबल था, यहाँ ज्योमेट्रिक है। ओके नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट डाउट। सो 24 ओके 24 एन अर्न कंटेन्स 10 बॉल्स ऑफ विच एम ठीक है आर व्हाइट ओके टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एच नॉट।
तो कोई उड़ना है, कोई बॉक्स है मान लो जिसके अंदर 10 बॉल्स है टोटल, ठीक है, टोटल 10 है, टोटल 10 बॉल है, और इसमें से एम वाइट है, सो लाइक इसमें एम नंबर ऑफ बॉल वाइट है, ओके बाकी कितने बचे, 10 माइनस एम, यही ना, सो जो कि अदर कलर का होगा, ठीक है, ये अदर कलर का होगा, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, ठीक है, एच नॉट इज एम इज इक्वल टू 3, सो एच नॉट इज एम इज इक्वल टू 3 एंड एच वन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 7, एच वन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 7, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वुंड, तुमने 3 बॉल्स सेलेक्ट किए, ठीक है, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेस नहीं कर रहे हम, 3 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, इफ x इज द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन, ओके सो कैपिटल x जो है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन, ठीक है, सो 3 बॉल्स आर ड्रॉन, ठीक है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉल को ड्रॉ किया, 3 बॉल्स आर ड्रॉन, सो दैट द मोस्ट पावरफुल टेस्ट रिजेक्ट्स एच नॉट इफ दिस, ओके प्रूफ दैट है, सो तुम्हें प्रूफ करना है कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, सो लाइक सिंपल वर्सेस सिंपल है, तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, बट आई थिंक मुझे लगता है कि एल ऑफ है ना एम नॉट या एम वन फोन एल ऑफ मतलब थीटा नॉट, मैं ऐसे एम वन लिख रहा हूँ और थीटा नॉट होता ना तो एम नॉट, एम नॉट बोलता एम की वैल्यू यूज़ करनी है एच नॉट वाली, दैट इज मोर देन इक्वल टू सम के, और यू कैन टेक सम सी के वन टाइप दिस, अब ये तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, सो लाइक्लीहुड फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, फिर तो सिंप्लीफिकेशन है खाली, हाइपर ज्योमेट्रिक फॉलो करेगा, सो व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ दिस, इफ यू फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू, मान लो चलो मैं स्मॉल एक्स लेता हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि एक्स है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, तो कितने व्हाइट है टोटल, कितने व्हाइट है एम, तो एम में से एक्स सेलेक्ट कर लोगे तुम, बाकी कितने बॉल हैं 10 माइनस एम, उसमें से कितने बॉल सेलेक्ट करोगे, 3 माइनस एक्स, टोटल 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक्स बॉल हमने व्हाइट ले लिया, तो बाकी हमारा अदर कलर का होगा, और टोटल हमारे पास 10 बॉल है, हम कितना सेलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी कितना सेलेक्ट कर रहे हैं 3, ये ना चेक करो सही लिखा ना, सो टोटल एम बॉल है उसमें से एक्स वाइट लिया, सो मतलब एम वाइट है तो हमें एक्स नंबर ऑफ वाइट चाहिए, सो एक्स इज सेलेक्टेड, अब बाकी हमें 3 बॉल चाहिए था, सो बाकी जो कलर है 10 माइनस एम उसमें से हमने 3 माइनस एक्स सेलेक्ट कर लिया, सो ये प्रूफ दैट टाइप का क्वेश्चन, इसलिए टेंशन है ज़्यादा टाइम लगे तो मेन समझना है, तो जैम इस तरह क्या है कि कम टाइम में हो जाए, सो एक्स इज इक्वल टू यहाँ हो सकता है 0, 1, 2 या मैक्सिमम 3 हो सकता है ना, ओके ठीक है, अगर यही विथ रिप्लेसमेंट होता तो बाइनोमियल हो जाता, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है इसीलिए हाइपरजोमेट्रिक हुआ है। अब क्वेश्चन ये है, अब यूज करो इसको तो क्या दिक्कत है, x मोर देन इक्वल टू k है तो यहां से तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाएगा, x मोर देन इक्वल टू k, k भी फाइंड करना है क्या, फाइंड द पावर इफ द साइज ऑफ द टेस्ट इज 11/60, आगे क्या करें अब, सो लाइक्लीहुड फंक्शन इफ यू फाइंड, तो इधर वन ही सैंपल है ना, वही सर, हाँ वही लाइक ओके, सो एक ही उड़ना है ना, ओके सैम्पल वी आर टेकिंग, वी आर ड्राइंग जस्ट वन है ना, 3 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं एट रैंडम फ्रॉम द उड़न, फाइन, तो इसके बाद तो ठीक है यहाँ पीडीएफ यूज़ करना पड़ेगा ना, तो मतलब क्या है एम की जगह एक बार तुम्हें 3 यूज़ करना है और एक बार एम की जगह 7 यूज़ करना है, यही ना, सो न्यूमरेटर जो मैंने लिखा है एल एम वन अपॉन
m नॉट मतलब वही सर हम पहले 3 यूज करके k निकाल देना है रिकर्सन लेमा क्यों यूज कर रहा है यहां तो मेरा क्रिटिकल रीजन दे रखा है ना x ग्रेटर देन k तो हमें वो प्रूफ करना है ना वो क्वेश्चन प्रूफ है प्रूफ दैट प्रूफ पार्ट वो जाम में तो प्रूफ नहीं आएगा बट यहां प्रूफ करने के लिए ये क्रिटिकल रीजन नहीं प्रूफ करना है सो दैट नहीं था कहां प्रूफ निकालना है पावर ऑफ टेस्ट निकालना है अच्छा अच्छा ओके ओके तो बोला है इफ x इज द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन सो दैट द मोस्ट पावरफुल टेस्ट रिजेक्ट्स दिस आया तो सो दैट शो दैट भी है है ना यहां पे देखो ये दिख रहा है सो उस समय सो दैट आता था तो ये प्रूफ करना ही मोस्ट पावरफुल टेस्ट है तो हम 11 पियर्सन लेमा लगा रहे हैं और थ्योरम कहता है कि जो तुम्हारा एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा वन या एल थीटा वन अपॉन एल थीटा नॉट तो थीटा वन ऊपर है तो मोर देन के दैट विल बी मोस्ट पावरफुल टेस्ट वो ऐसे 11 पियर्सन लेमा से ऐसे भी हो जाएगा मतलब ये प्रूफ हो गया तो यू कैन राइट 11 पियर्सन लेमा अब की फाइंड करना चाहो तो उसके लिए तुम्हें वो यूज करना पड़ेगा साइज दे रखा है बट हम प्रूफ करना ठीक है मतलब प्रूफ क्यों कर दा नहीं चाहते हो डायरेक्टली यू कैन राइट using 11 pairs lemma it will be most powerful test that you can say but okay wahan x to aana chahiye cancel hoke last mein sir wo factorials open kar lenge na to 3 aur 7 wo 10 ke jo upar ke ratios rahenge na wo m7x matlab the 37x ho jayega matlab wo upar cancel hi ho jayenge wo ha exactly to hame acha yahan pe dekho yahan kya jab solve kar rahe bhai hamara at last answer aisa aana chahiye x more than some constant वो आ जाएगा तो प्रूफ हो गया प्रूफ पार्ट पे हम है जैम में प्रूफ नहीं आएगा अभी इस बार लेकिन इफ यू वांट टू जस्ट लर्न सो देखो ऊपर वाले टर्म में क्या है एम ओ वन है एम वन मतलब तुम्हें 7 यूज करना है एम की जगह चलो करके देखते हैं 7cx 10-7 3c 3-x सो ये तो न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर होगा एम नॉट है एम नॉट में एम 3 है 3 रखो एम को सो 3 चूज एक्स और 10-3 7 अच्छा मैंने डिनोमिनेटर छोड़ दिया 10 चूज 3 और यहाँ होगा 7 अब m की जगह हमने 3 यूज करना है नीचे मैंने m नॉट लिखा है ध्यान रखना m नॉट का मतलब है m की वैल्यू नल हाइपोथेसिस में m1 का मतलब है m की वैल्यू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में तो यहाँ m को 3 यूज कर रहे हैं डिनोमिनेटर में तो 10-3 7 हो गया 7c 3-x अपॉन 10c 3 ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और दिस इज मोर देन इक्वल टू सम के वन ये नेमर पियर्सन लेमा लगा रहे वो कहता है कि ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा चलो तो इसको ओपन कर दो अब आई थिंक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 7-3 और x3-6 इस तरह से इंटरचेंज है चलो एक स्टेप और है कर ही लेते हैं तो क्या करो 7 चूज x इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा 7 फैक्टोरियल x फैक्टोरियल 7-x फैक्टोरियल यही ना ऊपर करोगे 3 फैक्टोरियल 3-x फैक्टोरियल एंड 3-3-6 x फैक्टोरियल न्यूमरेटर हो गया पूरा डिनोमिनेटर आ जाओ 3 फैक्टोरियल x फैक्टोरियल 3-x फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 7 फैक्टोरियल 3-x फैक्टोरियल 7-3-6 क्या आ जाएगा चेक कर देना 4 प्लस x होगा क्या 7-3 तो प्लस हो जाएगा इज इट कैलकुलेशन चेक कर लो भाई यहाँ भी मैंने गलत तो नहीं किया ऊपर वाले में ओके है हाँ क्रिटिकल रीजन अगर हम लोग को मतलब जो भी मिल गया इसमें क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग पहले K1 उसको फाइंड करने के लिए डायरेक्ट हम लोग ऐसा करते हैं ना कि अलग अलग पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इस पर निकाल लेंगे उसके बाद किसी दो प्रोबेबिलिटी को या तो फर्स्ट टू या लास्ट टू ऐसा ऐड करके देखेंगे तो जो इतना भी हो जाए मतलब 11/60 आना चाहिए अगर आ जाता है तो फिर देख लेंगे K का वैल्यू क्या होगा वहाँ से अभी के नहीं फाइंड कर रहे हम पहले तो क्रिटिकल रीजन ही प्रूफ कर रहे हैं हम अभी के फाइंड नहीं कर रहे अच्छा हम क्रिटिकल रीजन प्रूफ कर रहे हैं ठीक है ओके ठीक है तो अभी हम क्रिटिकल रीजन ही फाइंड कर रहे हैं मतलब प्रूफ करना था इसलिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये मैंने ठीक लिखा है एन फैक्टोरियल है ना 4+x चलो उसको ओपन कर लेते हैं क्या क्या होगा तो यहाँ से ये वाला इससे कैंसिल ये वाला इससे कैंसिल ये वाले टर्म इससे कैंसिल ठीक है और ये वाले टर्म इससे कैंसिल तो बचा क्या जो बचा वो लिख लो सब कुछ ऐसा बचा है जो सबसे नीचे बचा वो सबसे ऊपर चला जाएगा
सो 3 माइनस एक्स फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स फैक्टोरियल सबसे डिनोमिनेटर में है, और यहाँ है 7 माइनस एक्स फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल इज इट मोर देन इक्वल टू के वन। अब इसको थोड़ा ओपन करो, x की वैल्यूज क्या हो सकती है 0 1 2 3 तक जाएगी ओके हाँ अब कैसे करें, तो x प्लस 4 को हम ओपन कर सकते हैं x तक, सो 4 प्लस x या x प्लस 4 बोलो, ये 4 प्लस x है ना, मतलब x प्लस 4 है, तो इसको मैं पहले इसको ओपन करता हूँ x प्लस 4 को, x प्लस 4 फिर x प्लस 3 हाँ x प्लस 2 फिर x प्लस 1 फिर x फैक्टोरियल, ये उसको ओपन कर दिया और 3 माइनस x को ऐसे ही रहने दो, करके देखता हूँ इस तरीके से वरना कोई और तरीका हो तो फिर ट्राई। सो यहाँ पे है x फैक्टोरियल और मुझे लगता है 7 माइनस x फैक्टोरियल को ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे, 7 माइनस x देन 6 माइनस x 5 माइनस x 4 माइनस x एक एक माइनस कर रहा हूँ मैं, 3 माइनस एक्स फैक्टोरियल दिस इज मोर देन इक्वल टू के। ऐसे प्रूफ पार्ट हम स्किप भी कर सकते, कोई प्रूफ आता नहीं है, ये सब है ना कॉलेज का पार्ट होता है, कॉलेज में ये सब पाते हैं बीएससी में। तो और यहाँ से एक्स फैक्टोरियल काट दो, तो बचा कुछ इस तरह से, ऊपर एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 और नीचे है चार टर्म है ना, माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6 x माइनस 7 मोर देन इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट k1। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, सो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या ऐसा होगा कि x मोर देन इक्वल टू समथिंग, ये चार चार टर्म दोनों में आए हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करना तो डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन ये तो मतलब मेरा मतलब ये है कि न्यूमरेटर की डिग्री भी 4 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 4 है, सो विल इट गिव दैट टर्म, किसने इसको प्रूफ नहीं किया, किसी ने? नहीं सर मैंने प्रूफ नहीं किया, बस उसका पावर निकाल लिया। डिवाइड करोगे तो क्या होगा, कोई कांस्टेंट टर्म आ सकता है, और उधर भेज दो 4321 कट गया, यहाँ पे आया 7 था 6543 वाला कट गया x ओके okay, तो ये होना तो इस तरह के सही था। एक्स हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है ओके okay. और ओके okay, अब हो सकता है इसको सिंप्लीफाई करने पे आता, आई एम नॉट श्योर, बट प्रूफ जैम में नहीं आता है तो प्रूफ थोड़ा मुझे भी प्रूफ ना अजीब सा लगता है, तो एनीवे अज्यूम कर लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया वो करेक्ट है, क्योंकि वो प्रूफ करना था भाई, नहीं आ सकता पर पूछ तो सकते हैं ना कि इसका मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या होगा। हाँ मतलब वो है, तो उसके लिए मेथड यही है जो मैं कर रहा हूँ, मेथड यही है जो हम करते थे कि अभी निमन पर्सन लेमा लगाना है, एल थीटा वन अपॉन एल थीटा नॉट इज मोर देन इक्वल टू के, तो यहाँ थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट सा पीडीएफ है, तो उसको या तो मैं सिंप्लीफिकेशन में गलत नहीं किया है, तो इस तरीके से पीडीएफ सही लिखा ना, सेम चूज एक्स दिस 3 माइनस एक्स 3 बॉल्स हमने ड्रॉ किए हैं आउट ऑफ 10 ठीक है। x की वैल्यूज का कोई रोल होगा यहाँ पर, x की वैल्यूज हाँ बट एक्चुअली वो x की वैल्यू 0 1 2 3 ही हो सकती है, क्योंकि हम तीन बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो वाइट या तो अच्छा m पे डिपेंड करेगा, अगर m लेस देन मान लो, लेकिन m 3 है ना, तो m 3 जा सकता है ठीक है, क्योंकि अगर व्हाइट दो ही होता तो फिर तीन व्हाइट कैसे आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, एम तो यहाँ 3 या 7 है, तो लास्ट वाला टर्म दिखाई देता, तो यहाँ कुछ सिंपलीफाई करके केवल तो नहीं आएगा, कुछ और किया आएगा, तो मान लेते हैं ये जो बुक में दिया वो करेक्ट है, मतलब जो क्वेश्चन में बोला है तो, हाँ इसमें ये कंक्लूजन में जा सकते हैं, तो देखा जाए तो
कि जैसे ऊपर वाला तो हमेशा पॉजिटिव होगा और उसके बाद जो नीचे वाला है मैक्सिमम एक्स का वैल्यू हमारे पास 3 तक जा सकता है ठीक है। तो अगर 3 तक जा सकता है तो इसमें देखिए 4 टर्म है हमारे पास 4, 5, 6, 7 जो कि सारे नेगेटिव आएंगे। हाँ तो जब सारे नेगेटिव आएंगे इधर तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे एक ही साथ मतलब मल्टीप्लाई होके तो ये फिक्स हो गया कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा और x का फॉर्म है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि x मतलब x कैसे आएगा केवल x का वैल्यू अगर 7 से कम भी लेंगे तो भी ये पॉजिटिव ही देगा, अगर x का वैल्यू 7 से बड़ा लेंगे तो भी ये लेकिन क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 1 2 3 के अलावा नहीं लेना है मुझे। तो हमने x के टर्म में लिखा ना जैसे 3 बॉल ड्रॉ हो रहा है ना सर। ओके ठीक है यहाँ तक ठीक है मतलब प्रूफ अगर नहीं भी करें मान लो यहाँ पे था कि सो दैट द मोस्ट पावरफुल टेस्ट इज दिस ओके। अब अगर ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट है तो फिर प्रूफ पार्ट में दिस इज समथिंग डिफिकल्ट बट प्रूफ आना चाहिए सब रिसर्च में सब जरूरत पड़ता रहता है सीखना पड़ेगा। सो दैट द मोस्ट पावरफुल टेस्ट इज दिस एंड फाइंड द पावर। चलो पावर तो निकाल ही सकते हैं पावर निकालते हम अभी कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है x इज इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 3 इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो कि प्रूफ करना था। ओके 3 कहाँ है सॉरी k हाँ देखिए दिस इज मोस्ट पावरफुल या दिस इज अ क्रिटिकल रीजन। ओके सो ये क्रिटिकल रीजन है। अब हमें पावर फाइंड करना है पावर का फॉर्मूला क्या होता है और हमें तो If the size of the test is this, size दे रखा है okay, size दे रखा है पहले size को use कर लेते हैं power के लिए है ना। Power ऐसे formula क्या होता है rejecting H naught when H1 is true okay, और जो size है reject H naught when H naught is true और ये हमें दे रखा है 11/60 0 है। सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू k गिवन h नॉट इज ट्रू सो m की वैल्यू क्या है h नॉट में 3 जी ठीक है। तो अब पहले k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हाँ क्योंकि बिना k का पावर कैसे निकलेगा तो सिग्निफिकेंस लेवल इसलिए दिया ना क्योंकि के फाइंड करेंगे इसमें मतलब ऐसे दो क्वेश्चन हो गया एक तो के पहले पहले प्रूफ कर दो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है तो लेमन पीटरसन लेमन से मोस्ट पावरफुल होगा बस ये फाइंड करना था फिर उसके बाद पावर निकालो अगर साइज दे रखा है तो साइज इसलिए दिया जाता है ताकि तुम वो जो अननोन क्वांटिटी के है उसको फाइंड कर सको। तो के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है के हमने जैसे देखा है 0 हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है पहले लार्जेस्ट से स्टार्ट करते हैं के मोर देन इक्वल टू 3 तो के कह रहा हूँ मतलब x है ना जो कैपिटल x की वैल्यू है वो ये हो सकती है। तो अगर k 3 है तो उस केस में क्या होगा m तो हमने 3 फिक्स कर दिया ठीक है तो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3 निकालना है ठीक है जब m 3 हो ये बताओ क्या होगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 निकालो जब एक m 3 हो ओके प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 निकाल लो जब m 3 है मतलब ये जो pdf था ना इसमें m को 3 रख दो पहले इस वाले pdf में तुम लोग लिख रहे हो तो लिख लो pdf m की जगह 3 रख दो अब x को एक एक बार चेंज कर करके आंसर निकाल लो। सर अब कर लूंगी वो क्रिटिकल रीजन में थोड़ा प्रॉब्लम था बस। ओके ठीक है हाँ तो वो थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम हुआ है मैं उसको देखूंगा हूँ सॉल्व करके तो ठीक है जैसे ये प्रॉबलिटी आ जाएगी 1 पे 2 पे 3 पे तो अब तुम ऐड करके देख लेना कि m इज इक्वल टू 3 ये फाइंड हो जाएगा तो यहाँ k कैसे निकलेगा कि k ऐसा क्या रखोगे मोर देन इक्वल टू 3 है तो 3 पे ही अगर आ गया तो k वैसे निकल जाएगा
अगर टू थ्री ऐड करके आ रहा है तो मोर देन इक्वल टू टू होगा, तो यहाँ से के निकल जाएगा और के निकल गया तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो ये इजी पार्ट है, यहाँ थोड़ा सा प्रूफ दैट था तो उसका देखना पड़ेगा मुझे फिर से। सर जीरो पे नहीं निकालेंगे, x का वैल्यू जीरो भी तो है। देखे ना जीरो वन टू थ्री, तो लास्ट से ऐड करते हैं ना, पहले थ्री पे चेक करना थ्री प्लस टू क्या होता है, क्योंकि मोर देन इक्वल टू के है, मुझे के ढूंढना है। अगर मोर देन इक्वल टू जीरो लेंगे तो सारा ऐड करेंगे, सारा ऐड करेंगे तो मे बी वन आ जाएगा वो, तो है ना मोर देन इक्वल टू वन या मोर देन इक्वल टू टू ना, इस तरीके से होगा। तो जीरो वन टू थ्री पे निकालो और फिर चेक करो के क्या रखने पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसा कौन सा के है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। के जैसा थ्री रख दिया तो एक्स मोर देन इक्वल टू थ्री, तो एक्स इक्वल टू थ्री हो गया, तो उसमें देख लो क्या है, एक के को टू रखा तो के मोर एक्स मोर देन इक्वल टू टू, तो मतलब एक्स की वैल्यू टू या थ्री होगी, तो ऐड करके देखो प्रोबेबिलिटी टू थ्री पे क्या इलेवन बाई सिक्सटी आ रहा है, वो के हो जाए। के वन रखोगे तो एक्स मोर देन इक्वल टू वन, तो वन टू थ्री पे प्रोबेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी एक्स की, फिर देखो वो आ रहा है क्या, इस तरीके से के मिल जाएगा, के मिल जाएगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका एक प्रूफ दैट पार्ट में प्रॉब्लम है, सो आई विल ऑल्सो चेक। ओके बताओ नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन है किसी को डाउट? आई थिंक 25 क्वेश्चन ही थे इसमें। 23 में वेरिएंस का थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके तो वेरिएंस किसका चाहिए? समेशन ऑफ x2i - 1 एक्सपेक्टेशन निकल जा रहा है, वेरिएंस थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। y मान लो कंफ्यूजन हो गया, x2i - 1 तो yi का मीन निकल जाएगा और yi स्क्वायर का मीन निकल जाएगा। yi का मीन क्या होगा, इसको अलग अलग कर लो क्योंकि इंडिपेंडेंट है, ये हो जाएगा, यहाँ yi स्क्वायर करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। ये निकल जाएगा क्योंकि ये दे रखा है, तुम्हें क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, तुम्हें ईच एक्स आई का मीन वेरिएंस पता है तो उसको यूज करके, तो वेरिएंस ऑफ वाई आई, तो वेरिएंस ऑफ वाई आई का फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएंस ऑफ वाई आई का फॉर्मूला क्या है ना, वो तो क्या, ये निकल गया, ये निकल गया तो वेरियंस निकल जाएगा, और मुझे ईच है ना ईच एक्स आई का मीन पता है क्वेश्चन में, ये पता है ईच एक्स आई का वेरिएंस पता है मुझे क्वेश्चन में, तो ये वेरिएंस पता है तो इस वेरिएंस से मुझे ये मिल जाएगा, ईच एक्स आई का स्क्वायर मिल जाएगा इस वेरिएंस को। सर यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर निकलेगा वो निकलेगा मतलब कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू आई स्क्वायर यानी 20 मतलब 16 प्लस 4 तो मतलब 20 निकलेगा ये और 20 ये मतलब 400 ये हो गया 400 माइनस ये 4 4 16 156 हो गया सर, मैं 144 करके गलती कर रहा था, कितना आएगा हो गया सर 144 क्लियर हो, फिर वो है ना, तो अब तो इजी हो गया, ये समेशन वाई आई और इसका दे रखा है मोर देन इक्वल टू, बस मीन वेरिएंस सबट्रैक्ट कर लो, यहाँ समेशन वाई आई बोल दिया मैंने, वाई आई क्यों देख लेना, तो अब उसको स्टैंडर्डाइज करके आ जाएगा आंसर। ओके ठीक है, तो इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन था। ये ए पार्ट एक बार देख मतलब इसकी फिगर ड्रा करना ना, ट्वेंटी फाइव ए पार्ट फिगर की जरूरत है ऐसे, चलो देखते हैं इवेल्युएट द थर्ड दोनों क्वाड्रेंट आएंगे ना, इवेल्युएट द इंटीग्रल दिस वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय लाइन वाई बराबर जीरो, तो वाई बराबर जीरो मतलब हो गया तुम्हारा वाई बराबर जीरो, सो वाई जीरो कहाँ होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस दोनों पे, इधर टू इंटीग्रल है तो एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और वाई बराबर एक्स
सो वाई बराबर एक्स भी पता है तुम्हें. एंड द आर्क्स ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस. तो आर जो है रीजन है बाउंडेड है वाई बराबर जीरो एक्स एक्सिस वाई बराबर एक्स. ओके तो ये इस तरह का फिगर होगा ना. एक मिनट 25 का ये है. सो वाई बराबर जीरो ये लाइन हो गया एक्स एक्सिस और वाई बराबर एक्स ये हो गया सर्कल वन एंड टू सॉरी वन एंड रूट. रेडियस क्या है वन है और रूट एंड रूट टू है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर. सो वन और रूट टू. अब बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस सो कौन सा वाला होगा एक्स एक्सिस. अच्छा ओके सो ये भी हो सकता है लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स दिस वन एंड दिस वन. ओके तुम ये कहना चाहते हो कि ये वाला डिजन भी होगा और ये वाला भी होगा. yes, sir. ओके ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मैंने पूछा एक दूसरों को सब सिर्फ ऊपर का ही रीजन ले रहे थे तो मेरा डाउट वही था कि नीचे का क्यों नहीं ले सकते. ओके हाँ तो ठीक है तो एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते हैं फिर से. इवेलुएट करना है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू आर इज द रीजन बाउंडेड बाई लाइन्स दिस. ओके एक्स एक्सिस वाई बराबर एक्स in area of the circle arcs of the circle this and this. हाँ तो ले तो सकते हैं. तुम्हें लगता है उसको डबल कर सकते हो क्या इफेक्ट पड़ेगा यूनियन देना पड़ेगा डबल करना पड़ेगा. हाँ क्योंकि दोनों तो सिमेट्रिक है तो सेम ही है बस उसको डबल कर सकते हो क्योंकि इस पार्ट का इंटीग्रल सर डबल तो जब एरिया कर देते हैं निकालते हैं यहाँ पे इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं. यस सर सर दोनों की वैल्यू सेम ही आती है जब इंटीग्रल फाइंड करते हैं ना तब भी आएगा ही सेम ही आएगा उसमें सेम तो आएगा लेकिन इंटीग्रल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. क्वेश्चन ये है क्योंकि हम एरिया फाइंड नहीं कर रहे हैं. क्वेश्चन ये भी एरिया अगर फाइंड करते तो हम डबल करते. यहाँ पे क्या है कि बस उस रीजन पे हमें इंटीग्रेट करना है तो आर वो वाला रीजन है. So, R1 union R2 इस तरह कर तो सकते हो R1 union R2 क्योंकि R को हम लिख सकते हैं R1 union R2. अच्छा इसका की नहीं है ना प्रॉब्लम ये है जैसे वी कैन नेम इट R1 वी कैन नेम इट R2. तो जो R रीजन एक्चुअली होना तो यही चाहिए R1 union R2. तो सिमेट्री के तो ऐसे नहीं कर सकते बट ये सिमेट्री के तो अपने ऐड कर सकते हैं ना दोनों R1 पे आंसर वही आएगा जो R2 पे आएगा क्योंकि कर्व तो क्या है थोड़ा ग्राफ सर ये जो जो डबल इंटीग्रेशन का मार्क दिया हुआ है रीजन पे तो सर ये तो एरिया ही तो बता रहा है वो ऐसे तो वॉल्यूम है तुम देखोगे तो मतलब जैसे होता है जेड. हाँ इस तरह से एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है ऐसे तो जैसे वाई डी एक्स एरिया होता है तो वैसे ये वॉल्यूम होता है. ठीक है इंटीग्रेट करके देखो तो क्या होता है आंसर एक्चुअली उसमें क्या है मेन वो भी देखना पड़ेगा. सर इसको फाइनल कर दीजिए थोड़ा सॉल्व तो कुछ नहीं है कैलकुलेशन तो इजी आई थिंक. क्या दिया हुआ है e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर बाई टू और आर डी आर डी थीटा. तुम पोलर में कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है डी एक्स डी वाई कन्वर्ट हो जाता है आर डी आर डी थीटा में. आर की वैल्यू क्या होगी आर रेडियस है वन से रूट टू सो वन से रूट टू तक और थीटा की वैल्यू है जीरो से 45 डिग्री सो जीरो से पाई बाई फोर. ओके तो इंटीग्रेशन तो इजी है कुछ नहीं क्योंकि इसको तुम टी अज्यूम कर लो देन और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उसका डेरिवेटिव आर ही आएगा है ना. तो ट्रांसफॉर्म करेंगे इंटीग्रेशन इजी है लेकिन ये किस पार्ट पे हमने फाइंड किया है जैसे ये आर रीजन पे हमने ये रीजन आर वन पे फाइंड करेंगे वही बात है और आर टू रीजन पे फाइंड करेंगे तो ये रीजन आर दिया था ना तो वी कुड हैव राइट. सो ऊपर सचे से डिस्कस करना पड़ेगा. होना तो ऐसा चाहिए क्योंकि अगर दो रीजन का जब यूनियन होता है तो दोनों पे अलग अलग फाइंड करते हैं.
अब ऑफिशियल इसका आंसर ही नहीं है शायद, ढूंढना पड़ेगा, तो देन वी कैन चेक, मतलब आईआईटी वाले जो अपलोड करते हैं तो उस केस में फिर इसका डबल हो जाएगा क्योंकि एरिया दोनों सेम ही आएगा मुझे लगता है। या तो इसको बोलना चाहिए था इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एग्जैक्टली, वैसा बोलना चाहिए था। ओके तो आई थिंक ऐड होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखना टू टाइम होना चाहिए, सो आंसर इसको देखना पड़ेगा क्या है, नहीं तो वी हैव टू सी। ओके चलो इसको मैं डिस्कस कर लूँगा। सर 9 बजे जाऊंगा मैं, 9 बजे सर। आप वो अकेला है? हाँ सर। और कोई नहीं? नहीं। ओके तो अब इंटीग्रेशन करना आसान है, इसको करके देख लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है और कुछ? 17 का बी बता दीजिएगा सर। सेवनटीन का बी, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द सीरीज कन्वर्जेस। तो समेशन ए एन कन्वर्जेस बताओ, तो कन्वर्जेंस का टेस्ट क्या होता है? तो तुमने पढ़ा होगा रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट, जो मैं लास्ट क्लास में बात कर रहा था वो रेशियो रूट टेस्ट से ही आता है रेडियस कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे क्या है, दिस कन्वर्जेंट कब होता है ये कन्वर्जेंट? तो ऐसा है, अगर ऐसा हो कि मॉड ए एन प्लस वन अपॉन ए एन है ना, इसकी जो लिमिट है, अगर ऐसा हो जाए इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दिस इज लेस देन व्हाट वन, तब क्या बोलते हो तुम, समेशन ए एन कन्वर्जेस, ये होता है ना। और अगर ऐसा yes. हुआ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन दिस इज मोर देन इक्वल टू वन, देन सीरीज डाइवर्जेस। आई थिंक वन पे फेल हो जाता है, सॉरी, सो दिस डाइवर्जेस एंड वन जब होगा तुम्हें चेक करना पड़ेगा, एक बार याद रखना। आई थिंक वन में फेल होता है ना, क्या स्टेटमेंट है एग्जैक्टली रेशियो टेस्ट का? यही सर, वन में डाउटफुल ही होता है। डाउटफुल केस है, तो अगर ऐसा हुआ वन हुआ वन ओवर तो टेस्ट फेल, मतलब इट विल नॉट गिव एनी रिजल्ट, तो तुम्हें अलग से चेक करना पड़ेगा। तो ये अप्लाई करके देख सकते हो, या इसी का इक्विवेलेंट दूसरा है, सेम चीज़ इसके जगह पे मॉड ए एन की पावर वन बाई एन, सेम तरह से होता है, तो बस ए एन अपॉन एन प्लस वन की जगह ए एन की पावर वन बाई एन यूज़ करते हैं, तो किसी एक से ट्राई कर सकते हैं। तो ये अप्लाई करो, हो जाएगा। तो इसमें तुम यूज़ कर सकते हो, अब ए एन तुम्हारा क्या है यहाँ पे, माइनस वन की पावर एन प्लस वन एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस वन बाई एन, ठीक है, सो एन प्लस वन बाई एन। अब इसको अप्लाई करो, ओनली दिस, हाँ ठीक है, ऐसे ही ए एन प्लस वन लिख लो, तो एन जहाँ जहाँ है इनकी जगह एन प्लस वन रख लो, अब क्या होगा, ये होगा x की पावर n प्लस वन, एन प्लस वन अपॉन, सॉरी, n प्लस वन प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इस तरीके से। अब इसको डिवाइड कर लो, आ जाएगा डायरेक्टली, आ जाएगा, सिर्फ x ही बचेगा। तो अगर तुम इसको डिवाइड करोगे ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, डिवाइड करके देखो क्या आता है, न्यूमरेटर में क्या होगा, एक तो माइनस वन बचेगा क्योंकि पावर का एक चक्कर है, और एक x बचेगा ऊपर,
का डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे देखो क्या क्या बचेगा, एन प्लस वन अपॉन दिस, तो यहाँ तो ऐसे ही रहेगा एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, और यहाँ इन टू में हो जाएगा ऊपर एन प्लस वन बाई एन। अब सर लिमिट एन टेंस, इसको मॉड ले लोगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो इसका लिमिट क्या होता है एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, इसका तुम्हें पहले लिमिट निकालना पड़ेगा एन टेंस टू इन्फिनिटी। सब पहले तो मॉड ले लेते हो, मॉड ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, इसका लिमिट ले लो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, क्या होगा एन से डिवाइड कर लो एक बार और, ये वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वन प्लस वन बाई एन प्लस दिस हो जाएगा, तो कट के वन ही हो जाएगा, तो ये सीधा एक्स आ गया, मतलब मॉड में एक्स आ गया क्योंकि माइनस वाला पॉजिटिव हो गया। अब ये लेस देन वन है तो हमेशा कन्वर्जेंट होगा, सो ठीक है, तो एक तो आंसर ये हो गया माइनस वन टू वन, ये पक्का है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, वो टेस्ट फेल होता है ना इस केस थर्ड केस में, तो इसको मैनुअली चेक करना पड़ता है। मैनुअली का मतलब हुआ कि जो एंड पॉइंट तुम्हारा आया एक्स बराबर माइनस वन एक्स बराबर वन पे, हाँ तो उसको पुट करके चेक करो क्योंकि इसमें एक्स इन्वॉल्व है ना, तो एक्स को माइनस वन रख दो, देखो ये क्या बनता है, ये जो सीरीज है एक्स को माइनस वन रख के क्या होगा, तो यहाँ है ना, हाँ ये वाला था, एक्स को माइनस वन रख दो क्या हो जाएगा, ये जो ए एन है ये कन्वर्ट होके आएगा, इसमें रख रहा हूँ मैं, देखो इसमें एक्स की जगह माइनस वन रख दो, तो माइनस वन की पावर टोटल हो जाएगी टू एन प्लस वन, और नीचे वही है एन प्लस वन बाई एन, और वन रखोगे एक्स को तो ए एन रहेगा माइनस वन की पावर एन प्लस वन जो कि है, और वन की पावर एन तो वन ही हो जाएगी, नीचे सेम रहेगा एन प्लस वन बाई एन। अब इन दोनों तुम्हें सीरीज के बारे में सोचना पड़ेगा, मैं सिर्फ एन लिखा हूँ लेकिन मुझे सोचना इसके बारे में, सीरीज क्वेश्चन में है, वन से या जीरो से जो भी दे रखा है, तो इसके बारे में हमें सोचना है। तो अब क्या होता है बताओ, सो हाउ विल यू थिंक अबाउट दिस, क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज है तो बस ये होता है कि जो टर्म माइनस वाले टर्म को छोड़कर बाकी टर्म में दैट शुड बी डिक्रीजिंग, है ना सर, ऊपर वाला नहीं है माइनस वन के लिए अल्टरनेटिव नहीं है ये, क्योंकि एन का वैल्यू अगर कुछ भी डालेंगे तो ये माइनस में ही देगा, ऑड पावर जा रहा है ऊपर। अच्छा अच्छा एक मिनट, पहला वाला जो है क्योंकि ये पावर ऑड फिक्स हो गया, वन मिनट, तो ये जो आ जाएगा माइनस वन अपॉन एन प्लस वन बाई एन आ जाएगा, हाँ ये अल्टरनेटिंग है तो ये ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग है क्योंकि ये पावर एन प्लस वन है, तो ये एन जब चेंज करोगे बढ़ता है क्योंकि ये हर एन के लिए ऑड ही आंसर देगा टू एन प्लस वन, तो इसीलिए, और हमें इसके बारे में सोचना है, दो केस है ठीक है ना, एक वन पे सोच रहे हैं एक माइनस वन पे सोच रहे हैं, मतलब इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये जो इंटरवल एंड पॉइंट है किसको इंक्लूड करना है किसको इंक्लूड नहीं करना है, तो जिस पे कन्वर्जेंट होगा उसको इंक्लूड कर लेंगे और जिस पे कन्वर्जेंट नहीं होगा उसको एक्सक्लूड कर देंगे, ये वाली चीज़ है। तो ये आ गया, तो इसको तुम कंपैरिजन टेस्ट से कर सकते हो या तुम्हारे पास वो टेस्ट लगा सकते हो, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, फिर डाइवर्ज करेगा ना ये, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, एलएच रूल से देख लेंगे सर। अगर ये तुम करोगे n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 तो उससे सर माइनस लगा सकते हैं, एन कॉमन ले लेंगे तो एन कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस वन अपन एन स्क्वायर हो जाएगा, और फिर वहां से एक मिनट पहले इससे करेंगे, एन टेंस टू इनफिनिटी लेने पे क्या आएगी, जीरो पे जाएगी, तो कन्वर्ज कर सकती है, ओके अगर जीरो पे नहीं जाती तो हम देखते हैं नहीं कन्वर्जेंट कर रही है। हाँ रोहित कुछ कह रहा था, बताओ क्या कह रहे थे सर, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो एल एच लगा सकते हैं यहाँ पे, मतलब क्या मुझे समझ नहीं आया सर, जैसे n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 है तो ये इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म आ रही है ना, तो यहाँ पे एलएच रूल लगा सकते हैं, लेकिन वो तो लिमिट निकालने के लिए है, उससे सर 1 अपॉन n आ जाएगा फिर वो डाइवर्ज करेगी, ओके
तुम इसके लिमिट लगाओगे तो 1/n हो जाएगा जो कि डाइवर्ज करेगी, ठीक है। और भी तरीके हैं टेस्ट करने के यार, क्या है ना उससे भी अच्छा, तुम उससे कर रहे हो कंपैरिजन कर सकते हो, कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते टेस्ट। तो ये 1/n के साथ तो 1/n के साथ कंपैरिजन कर लो इसको। हाँ, सो अगर ये नॉन जीरो नंबर आंसर देगा तो इसका मतलब है कि वो दोनों सीरीज का नेचर सेम रहेगा। सो देखो ये एन, इस एन के लिए मैं कंपैरिजन टेस्ट लगा देता हूँ, और ये तो लेबनीज़ से शायद कन्वर्ज कर जाएगा, चेक कर लो। लेबनीज़ टेस्ट है ना, क्योंकि ये डिक्रीजिंग होना चाहिए। ये क्या है ना, माइनस वन की पावर एन प्लस वन तो है, ये एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन है। बस ये चेक कर लो कि ये डिक्रीज कर रही है क्या, एन को बढ़ाने पर वैल्यू घटती जा रही है क्या इसकी। तो अगर एन को बढ़ाने में वैल्यू घटती जा रही है तो मतलब ये जो सीरीज हो गई वो कन्वर्जेंट हो गई। तो ये जो सीरीज होगी समेशन ए एन, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ अभी सेकेंड वाले के लिए, सो ये कन्वर्जेंट होगा, दिस इज कन्वर्जेंट। लेबनीज टेस्ट है वो, सिर्फ ऑल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट होता है, तो उससे सेकेंड वाला हो गया। तो मतलब चलो वन को इंक्लूड कर लेंगे, अब माइनस वन को करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये मेरे पास सीरीज है, मतलब उस समय से मैं लिखा हुआ है, मतलब ए एन हमारे पास अभी यही है पहला पार्ट के लिए, माइनस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। और मैं एक बी एन बना लेता हूँ नया सीरीज 1/n। अब ए एन अपॉन बी एन की लिमिट निकाल लो, या बी एन अपॉन ए एन की, तुम्हारी जो अच्छा लगे। कितनी आएगी, वन आ जाएगी, ए एन बाई बी एन करेंगे तो। हाँ, तो मतलब ऐसे तो यहाँ मैंने माइनस सात लिया है तो माइनस वन आ जाएगी। तो हमारा ये इंटरेस्ट होता है कि देयर शुड बी नॉन जीरो, ठीक है, इन जनरल। तो अगर नॉन जीरो है, डायरेक्ट कंपैरिजन वाला हो सकता है ना सर, कि वन बाई एन से छोटी होगी वो सीरीज। अच्छा, उससे भी करना चाहते हो, ओके। तो ये लिमिट कंपैरिजन वन बाई एन डाइवर्ज करेगी। तो मतलब दोनों का जब ये नॉन जीरो आ जाता है तो हम बोलते हैं कि समेशन ए एन एंड समेशन बी एन का नेचर सेम है, बोथ हैव सेम नेचर। सेम नेचर मतलब दोनों कन्वर्ज करेगी या दोनों डाइवर्ज करेगी, बोथ हैव सेम नेचर। अगर ऐसा हो जाए, लिमिट नॉन जीरो आ जाए तो सेम नेचर है, इसका मतलब ये हो गया या दोनों कन्वर्ज कर रही है दोनों डाइवर्ज कर रही है, और हमें इसके बारे में पता है समेशन बी एन डाइवर्जिंग सीरीज है। तो सीरीज में 1/n डाइवर्ज करती है, तो पहली वाली भी डाइवर्ज कर गई, तो इसकी सीरीज हो गई समेशन, ये जो आई थी फाइनली ये वाली टर्म, वो वाली सीरीज डाइवर्ज करेगी, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस वन। सो दिस इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट हो गई, तो यू कैन नॉट इंक्लूड माइनस वन। तो हमारा जो अब फाइनल हो गया, सो एक्स इज इक्वल टू वन कैन बी इंक्लूडेड, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो इंटरवल हो गया माइनस वन ओपन और वन पे क्लोज। सो दिस इज योर वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। सो पहले रेशियो टेस्ट लगाए तो वो तो डायरेक्टली आ गया माइनस वन वन के बीच वाला, लेस देन वन, तो उसे मॉड एक्स लेस देन वन आ गया, मतलब माइनस वन वन के बीच। अब वन और माइनस वन पे मैनुअली चेक करना था, एक बार एक्स को वन रख दिया, फिर ए एन मिला, मतलब समेशन ए एन मिलेगा, उसके बारे में सोचना है। तो लेबनीज टेस्ट से वो कन्वर्जेंट हो गया, एक्स को माइनस वन रखा तो एक नई तुम्हें सीरीज मिलेगी उसी सीरीज में जो क्वेश्चन में गिवन है। अब उसके बारे में सोचना है, तो वो कंपैरिजन टेस्ट लगाया हमने बी एन बराबर वन बाई एन के साथ, और उसकी लिमिट ए एन अपॉन बी एन की जो लिमिट आएगी वो तुम्हारी नॉन जीरो आ गई। तो नॉन जीरो आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि बोथ आर द सेम नेचर। सो समेशन 1/n इज अ डाइवर्जेंट सीरीज, दैट्स वाई जो समेशन ए एन है माइनस वन रखने पर जो सीरीज आएगी वो भी डाइवर्जेंट होगी। ओके, फाइन। तो सेवन वाले में एक दो क्वेश्चन थोड़ा वो फंसा है, तो उसको मैं कर दूंगा अभी नेक्स्ट क्लास में। 21 में जैसे प्रूफ है तो 17 का ए बता दीजिए ना, ग्राफ उसका, ग्राफ में इशू हो रहा है। Find the volume of solid whose base is the region in the xy plane that is bounded by the parabola this and the line this, while the top of the solid is bounded by the plane this. Find the volume.
तो हमें वॉल्यूम निकालना है जिसका बेस जो है रीजन इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। हाँ ग्राफ बनाओगे तो y बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं एक्स वाई किधर लूंगा, वैसे दिखाना प्लेन पे तो मुश्किल होता है लेकिन ट्राई करता हूँ। तो ना प्लेन पे ऐसे ग्राफ बनाना जैसे डिफिकल्ट टास्क। y x z हमारा जेड को किस तरफ लूँ मैं, अपसाइड 2 माइनस एक्स, जेड की वैल्यू फिक्स नहीं है इस तरीके से उसको एक्सटेंड करना होता है। अच्छा ग्राफ बना लेता हूँ फिर उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा तुम्हें। सो 2 माइनस एक्स स्क्वायर किस तरफ होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी मैं टू डी में बना देता हूँ, ये 2 है। सो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से होगा और इसी को तुम्हें अब एक्सटेंड करना है जेड के लिए। ओके तो इसको है ना जेड अभी मैंने इस तरह से लिया है, इस तरफ मान लो ये बाहर की तरफ है, जैसे ये एक्स हो गया और ये मान लो वाई है और इधर जेड है इस तरह से, तो इसको एक्सटेंड कर लो। जेड है ना ये थोड़ा 3D में देखना आसान होता है और फिर इस तरफ से आएगा ना। y इज इक्वल टू x की लाइन है, सो y इज इक्वल टू x वाली लाइन जब बनाओगे मतलब एक्चुअली वो सो रीजन ही xy प्लेन की बात कर रहा हूँ, बेस इज द रीजन xy प्लेन। तो अभी तो मुझे xy प्लेन का ही रीजन बनाना था जिसका बेस ये है और z का लिमिट तो अलग से दे रखा है ना। अरे तो ठीक है ना, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो। देखो ये तुम्हें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, dz dy dx या dz dx dy। सो z का लिमिट दे रखा है 0 टू, z की वैल्यू क्या x प्लस 2। वो जो तुम्हें रीजन बता रहा है शुरू में वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन के बारे में बता रहा है। इसको सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट दिस x प्लस 2 टाइम dy dx। एक बार चेक करना क्या सही कर रहा हूँ, तो ठीक है ना, टॉप जो है वो x प्लस 2 है और बॉटम जो xy प्लेन है, तो xy प्लेन पे z की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। 0 टू x प्लस 2 हो गया, 0 टू z होगा लिमिट, सो z के x प्लस 2 है। अब इस रीजन के लिए तुम्हें ग्राफ दे रहा है वो, तो उतना दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। सो डायरेक्टली इस रीजन को इंटीग्रेट करना है, तुम्हें xy प्लेन में तुम्हें ग्राफ बना के दे रहा है, तो इसको डायरेक्टली तुम xy प्लेन में बनाओ सीधा। तो क्या होगा, एक तो ये ग्राफ हो गया और एक ये हो गया लाइन। सो अब तुम्हें ये एक्स वाई प्लेन है, जस्ट एक्स वाई प्लेन। अब एरिया सेलेक्ट कर लो, बाउंडेड बाई पैराबोला इन द लाइन। सो समझ आ रहा होगा ये वाला, सो रफ ग्राफ है उसको ध्यान। अब इस पर तुम्हें इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेशन तो आता ही, अब क्या दिक्कत है। y बराबर x है और ये है y बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके y बराबर 2 माइनस अब करो इसको इंटीग्रेशन, क्या डबल इंटीग्रेशन लगाना है तो स्लाइसिंग यू कैन यूज। बस ये देख लो ये क्या नंबर है, यहाँ से यहाँ तक x की लिमिट लेना और पहले ये इस तरह से कर लो, ये कहाँ से कहाँ मूव करेगी, तो ठीक है ना y बराबर x और यहाँ स्क्वायर, तो ऐसा होगा। इतना कर ही दिया हूँ तो देखो, तो ये बस इंटीग्रेट करना है तुम्हें। यहाँ पे जो पहले मैंने क्या लिया, y की लिमिट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो y की लिमिट लिख रहा हूँ पहले मैं, तो y की वैल्यू x से लेके, यहाँ y की वैल्यू जो होगी x से लेके होगी x 2 माइनस एक्स स्क्वायर तक, और x की लिमिट होगी ये नंबर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा जो भी है, मान लो a b बोल देता हूँ। ऐसे निकालोगे दोनों को सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, मतलब x बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। हाँ सर हो जाएगा,
यहाँ दो वैल्यू आ जाएंगे, हो जाएगा, जो भी नंबर आता है यहाँ से ले लो, ए टू बी लिमिट हो गया। सॉल्व हो जाएगा, फाइन सर। हाँ सर, 11 नंबर में सर बिना डेफिनेशन के कैसे करेंगे? 11 में बिना डेफिनेशन के मतलब तुम ये बोल रहे हो कि एफ डैश एक्स हम वो लिमिट वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो वो जो होता है। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लो, तो उसको डिफरेंशिएट कर लो। क्या करूँगा मैं, 11th में एफ एक्स है एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, जब एक्स नॉन जीरो है, जीरो है जब एक्स जीरो है, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साइन 1 बाई एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 1 बाई एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कब है ये? जब x नॉन जीरो है और जीरो जब x जीरो है। तो ये तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या, 2x साइन 1 बाई एक्स माइनस कॉस 1 बाई एक्स, नॉन जीरो है और जीरो जब x जीरो है। ओके, अब तुमसे पूछ रहा होगा, क्या पूछ रहा है, एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस है जीरो पे, तुम चेक करो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लोगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी उसकी लिमिट, एफ डैश एक्स में एक्स टेंस टू जीरो लोगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसीलिए क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ पे तुम्हारी फेल हो जाएगी, तो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, पहला गलत हो गया, डैश ही है ना। हाँ, डबल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है क्या, तो डबल डेरिवेटिव करने के लिए फिर एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वहाँ तक जाना ही नहीं तुम्हें। एफ डैश जीरो एग्जिस्ट, सो एफ डैश जीरो है, एफ डैश जीरो, ओके, तो मुझे लगता है एफ डैश जीरो ऐसे फाइंड करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में राइट हैंड डेरिवेटिव, अभी जो हमने डिफाइन किया है उसी से भी तो कह सकते कि एफ डैश जीरो जीरो होगा, मतलब एक्स को जीरो रख देंगे तो जीरो आ रहा है। एग्जैक्टली, एफ डैश जीरो इज जीरो, डबल डैश जीरो भी जीरो हो जाएगा तब, वैसे तो नहीं, तो ऐसा करो फिर डेफिनेशन से यूज कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे मेनली कॉन्टिन्यूटी चेक करने में आसानी होती है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी चेक करने में आसानी होती है, अगर एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है तो यू गो विद द डेफिनेशन, मतलब ये मेथड जो मैंने लास्ट में लगाए थे, लास्ट क्लास में भी, सो मेनली हम यूज तब करते हैं जब मुझे कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी चेक करनी है, तो वहाँ डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके हम देख लेते हैं, जैसे जब एग्जिस्टेंस ही चेक करना है तो एग्जिस्टेंस के लिए यू यूज द डेफिनेशन, सो लाइक जैसे हम यूज़ करते हैं एफ डैश जीरो का जो डेफिनेशन है वो यूज़ कर लो, तो ये बेटर रहेगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, है ना, तो इसे कर लोगे इससे तो हो जाएगा एच स्क्वायर साइन वन बाई एच माइनस जीरो, इस कट के आंसर जीरो आ गया। यस सर, तो एफ डैश जीरो इज जीरो, मतलब इतना ही है इसमें बस, जो तुम्हें जल्दी आ रहा पहले वही निकाल लो, इतना ही आंसर है इसका, तो एफ डैश जीरो जीरो आ गया। यहाँ से थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो सकता है तुम्हें, कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी के लिए कर सकते हो, जब कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी चेक करना हो इस टाइप के फंक्शन का जो पार्ट्स में डिफाइंड हो, तो डिफरेंशिएट करके फिर देखना, अदरवाइज जब एग्जिस्टेंस चेक करना है मतलब एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो गो विद डेफिनेशन, अगर लिमिट आंसर आ रहा है कुछ तो एग्जिस्ट किया, आंसर नहीं आ रहा तो डज नॉट एग्जिस्ट। सर, इसमें जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बोला गया था, तो अगर हम लोग एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये कह सकते हैं ना कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। इनफैक्ट एफ डैश एक्स अगर जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है तो डिफरेंशिएबल तो है ही, एफ डैश जीरो जीरो आ रहा है, इसका मतलब एफ इज डिफरेंशिएबल एट जीरो। मतलब ये बताना चाह रहा है कि एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, डिफरेंशियबल का मतलब क्या है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे, कर तो रहा है, एफ डैश जीरो जीरो आ गया तो एफ डिफरेंशियबल है जीरो पे। यस,
एफ डिफरेंशिएबल है लेकिन एफ डैश कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो उसके लिए फिर यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी लगानी पड़ेगी। सर एफ डैश एक्स निकाल के उसके बाद उसका कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे उसे डेफिनेशन से। वही मैं बोला था, जब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है तो ऐसे करो, अगर सिंपली एफ डैश जीरो फाइंड करना है एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्टेंस के लिए यू यूज द डेफिनेशन। ओके और कुछ सर? 5 एंड 6 तुम्हारा बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स है? नो सर। हाँ इसीलिए, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये किसी बुक में एग्जांपल मिल जाएगा। पहला 5 जो है वो जैकोबियन को यूज करके कर लेंगे, और 6 जो है ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म के लिए जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो कंप्लीट होता है और कंप्लीट एंड सफिशेंट होता है, तो मैनुअली प्रूफ करना पड़ता है। तो ये रिजल्ट तुम थ्योरम याद रख सकते हो, यूनिफॉर्म 0 थीटा के लिए जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो कंप्लीट सफिशेंट दोनों होता है, और उसके बाद फिर उसका मीन ले लेंगे तो वो आ जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ ओडीएस से। सिक्स थोड़ा आसान है, मतलब 6 में तुम वो थ्योरम ले देता हूँ, बस तुम ये याद रखना कि जो टी बराबर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है दिस इज कंप्लीट सफिशियंट है ना फॉर थीटा व्हेन एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 थीटा, ठीक है, या सैंपल हैज डिस्ट्रीब्यूशन 0 थीटा आईडी, ठीक है, सैंपल यूनिफॉर्म 0 थीटा से है सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा कंप्लीट सफिशियंट होगा। इसको प्रूव करना है तो सिंपली तुम लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो, और फैक्टराइजेशन थ्योरम से लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे तो 1/थीटा की पावर एन आ जाएगी एंड ईच एक्स आई इज लेस देन थीटा, ये थीटा मोर देन ईच एक्स आई, कैन राइट इट थीटा मोर देन ईच एक्स आई, तो ये इक्विवेलेंटली क्योंकि फॉर ऑल आई होगा सो थीटा मोर देन मैक्सिमम ऑफ एक्स आई इट इक्वल टू, सो इसीलिए इसको हम ऐसा लिख देते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन जो हो जाता है वो 1/थीटा की पावर एन आई इंडिकेटर फंक्शन थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स एन, और यहाँ से ये आ जाता है कि एक्स एन इज द सफिशियंट बाई यूजिंग फैक्टराइजेशन थ्योरम। कंप्लीट के लिए थोड़ा डेफिनेशन लगाना पड़ेगा, वो लंबा है, तुम प्रूफ किसी भी बुक में देख सकते हो या गूगल पर सर्च करना, ये प्रूफ मिल जाएगा, एक्स एन इज कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स फॉर यूनिफॉर्म 0 थीटा, प्रूफ आ जाता है। डेफिनेशन जो है उसका ई ऑफ जी टी इज इक्वल टू 0, सो विल इम्प्लाई जी टी इज इक्वल टू 0, ये कंप्लीट का डेफिनेशन है। तो उससे कुछ बुक में क्या किया है ना कि एक्सएन को सफिशिएंट पहले तो चेक कर लिया, फिर उसके बाद उसको कंप्लीट प्रूव किया गया, जैसे एक्सएन का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के एक्सपेक्टेशन ऑफ एच एक्स इक्वल टू 0, सो जी टी ई ऑफ जी टी 0 पुट कर दो, टी का डिस्ट्रीब्यूशन पता ही है तुम्हें, टी का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है इसका क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, इनफैक्ट rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या होता है ये भी पता है हमें, तो इससे प्रूव हो जाएगा। प्रूव हो गया तब ई ऑफ टी निकाल लो। अच्छा ई ऑफ टी कैसे निकालोगे, डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो हम टी का मीन निकाल लेंगे, है ना, वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, तुम फॉर्मूला देख लेना rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या होता है, उसमें r को n रख देना तो आ जाएगा, फिर इसका मीन फाइंड कर लो टी का, तो मीन क्या आता है जी, इन अपॉन थीटा क्या आएगा, एन थीटा अपॉन एन प्लस वन, तो इस तरह से आ जाएगा, तो इसको थोड़ा फिट कर लो, तो फिट करोगे तो एन प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ थीटा अपॉन एन, एक टी होगा क्योंकि लेफ्ट में एस्टिमेटर रहेगा राइट में पैरामीटर, सो ये आ गया, तो इसका मतलब है तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, किसी बुक में तुम्हें थ्योरम मिल जाएगा, सो दिस इज यू एम वी यू ई ऑफ थीटा n plus 1 t upon n is uniformly minimum variance unbiased estimator of theta and यही है मेनली लॉजिक। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं, याद तो रख सकते हो, ऐसे भी काम हो जाएगा क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, तो ऐसे भी तुम याद रख सकते हो कि फॉर द यूनिफॉर्म कंप्लीट सफिशियंट nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स उसका मीन ले लिया तो ये आ गया, फिर हो गया। फिफ्थ में क्या है कि थोड़ा तुम्हें जैकोबियन वाला अगर क्वेश्चन तुमने किया है उस टाइप के, so you select y1 is equal to x1 and y2 is equal to x1 plus x2, इसका जैकोबियन फाइंड करो, जैकोबियन का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, y1 का डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट में इस तरह से, या उल्टा कर लेते हैं,
एक्स वन निकाल लेते हैं वाई वन के टर्म में और एक्स टू निकाल लेते हैं वाई टू के टर्म में, ठीक है। इस तरह से आप जैसे कोविन फाइंड करोगे तो एक्स वन का डेरिवेटिव वाई वन का सर वन जीरो माइनस वन वन, सो वन आ गया। फिर एफ ऑफ वाई वन वाई टू चाहिए, सो जैकोबियन टाइप एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू, ठीक है। एक्स वन एक्स टू की वैल्यू यहाँ से यूज़ कर लो और ये रिप्लेस करना, तो उससे क्या होगा, इसका पी डी एफ आ गया। किसका पी डी एफ आ गया? वाई वन वाई टू का। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए इसमें क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में चाहिए कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वन गिवन वाई वन बोल रहा हूँ और एक्स वन प्लस एक्स टू का मैंने नाम दिया वाई टू, तो एक्स वन गिवन मतलब वाई वन गिवन वाई टू इज इक्वल टू वन, तो वाई वन गिवन वाई टू चाहिए मुझे। सो एफ ऑफ वाई वन गिवन वाई टू चाहिए, तो इसका डेफिनेशन है वाई वन कॉमा वाई टू अपॉन एफ ऑफ वाई टू। अच्छा, मुझे ज्वाइंट मिल चुका है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करके देना, मैं रफली कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो ये ज्वाइंट है वाई वन वाई टू का, तो वाई वन वाई टू का ज्वाइंट से तुम मार्जिनल निकाल सकते हो। इससे यूज करके तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा एफ टू ऑफ वाई टू। कैसे होता है? जो तुम्हारा वाई वन वाई टू आया है तो उसको वाई वन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, सॉरी सिंगल इंटीग्रेशन होगा, सो वाई वन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, इससे क्या हो जाएगा वाई टू का मार्जिनल आ जाएगा। अब यहाँ पे ये तुमने अभी यहाँ फाइंड किया है और डिनोमिनेटर वाला यहाँ फाइंड करोगे, उसको पुट करो तो ये आ गया। अब वाई टू को बाद में वन रख दो तो आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आंसर जो आता है वो क्या आता है, वन अपन वाई टू, जिन लोगों ने किया है। एक मिनट सर, ऑप्शन सी आ रहा है यूनिफॉर्म बाद में। हाँ, ये ऐसा आता है, मैं बता देता हूँ, वाई वन गिवन वाई टू अभी जनरली ऐसा आएगा, फिर जीरो लेस देन वाई टू, वाई वन लेस देन, क्या आया जिन लोगों ने किया है, मुझे ऐसा लग रहा है y1 लेस देन y2 ऐसा आता है, ठीक है। और जब y2 को 1 रख देते हो तुम तो ये फाइनली आंसर आएगा, और जब y2 को 1 रख दोगे, यस सर, f ऑफ y1 गिवन y2 इज इक्वल टू 1, तो y2 को 1 रखो 1 हो जाएगा और y1 मोर देन 0 लेस देन 1, तो यहाँ से देयरफॉर ये पता चल गया कि y1 गिवन y2 इज इक्वल टू 1, दिस इज यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है। यूनिफॉर्म 01 हो गया, तो ये y1 कुछ और नहीं, मैंने नाम रखा था x1 और y2 कुछ और नहीं था x1 plus x2, this has distribution uniform 01, यही पूछा था। तो ये भी एक उस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप का, तो जिन लोगों ने पहले प्रैक्टिस कर रखा था उनको इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं प्रोबेबिलिटी का यूज करके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करके। ओके, तो उसमें तुम्हें सम का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है ना, तो सम मेरा गामा फॉलो करेगा, और एक्स वन को कुछ मान लेंगे आर या टी, और एक्स वन एक्स टू इंडिपेंडेंट है तो वहाँ से प्रोडक्ट लगा लेंगे, उसे भी कर सकते हो। हाँ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का सम मतलब मैंने भी ऐसे ही किया, एक्सपोनेंशियल भी एक्चुअली गामा ही है, गामा का स्टैंडर्ड वो फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म है, तो उसको तुम कर सकते हो। हाँ, उससे भी हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा रीड करो, जैसे मान लो कभी करना है घर पे, थोड़ा टाइम दो तो इजिली समझ आएगा। ये मैंने एक मेथड बताया, दूसरा मेथड वो भी गामा वाला है, सो सम ऑफ टू एक्सपोनेंशियल इज गामा, तो गामा का पीडीएफ यूज कर लो, गामा बराबर वन पे प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, फिर वन ट्वेल्व नंबर का वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे? किसका ट्वेल्व नंबर वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे? वेन डायग्राम से क्यों बनाना है, तुम्हें ऑप्शन देख के समझ आना चाहिए। ई एफ विद द टू इवेंट्स सच दैट ई गिवन एफ और ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट, मैं ऑप्शन देख के समझ आ रहा होगा। ओके, ई एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव होता तो ई इंटरसेक्शन एफ जीरो हो जाता, तो वैसा होगा ना, तो पहला टर्म फिर जीरो आ जाएगा और दूसरा टर्म जो होगा ई माइनस एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन एफ जीरो होगा डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी एफ,
पहला टर्म तो जीरो हो जाएगा अगर मतलब वैसे तुम कर सकते हैं, पूछ रहे हैं जब उल्टा पूछ रहा है। देखो इसमें कुछ नहीं, तुम इससे तुम्हें लग रहा होगा ये जैसे क्वेश्चन है तो इसमें एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ बी डी ऑप्शन देख के लग रहा है कि उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट, और बी में भी गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट है, डी में गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट है, तो तुम्हें बस उसको कॉम्प्लीमेंट में बदलना है। तो ये फॉर्मूला होता है, यूज़ करो वेन डायग्राम। सर सारा एमसीक्यू है ना? हाँ, सो वन माइनस एक आंसर आने के बाद हम भी चेक नहीं किए। हाँ सिंगल ऑप्शन है तो कोई दिक्कत, मतलब वन माइनस प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ, सो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। ठीक है, नॉर्मली जैसे होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, वही है, बस गिवन लगा दिया, तुम यहाँ गिवन लगा दो, गिवन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरीके से, ये बस यूज कर लो हो जाएगा। तो तुमने किया ही होगा सबने। हाँ सर ठीक है, यही चीज नहीं पता था मेरे को। तो यहाँ पे क्या है, इसको अगर कर दें हम तो हमें क्या गिवन है, एक लाइन का ही इसलिए कर देता हूँ, ई गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट दैट इज वन। तो मैं लिख सकता हूँ इस वाले को वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ, गिवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नेक्स्ट को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट, जो भी गिवन है उसको एज इट इज रख रहे हैं, बस ऊपर वाले में चेंज हो रहा है पहला है। अब यहाँ से क्या हो गया, वन प्लस वन टू, राइट वाले वन को इधर बुला लो और इन बाकी नेगेटिव वाले को राइट में भेज दो। क्या गया, टू माइनस वन क्या होता है वन, तो ये हो गया और ये एक ऑप्शन होगा। इस तरीके से तो इस तरह फॉर्मूला याद रख सकते हो ना। सर गिवन में कॉम्प्लीमेंट है तो उससे उसमें भी कुछ होता होगा फॉर्मूला क्या? नहीं उसका फॉर्मूला फिर तुम्हें ओपन करना पड़ेगा डेफिनेशन से। सर इसमें सबसे जो फर्स्ट कंडीशन दिया है ना वो मतलब जो प्रोबेबिलिटी क्या वो करके और डायरेक्ट फर्स्ट वाला पल मान लीजिए, मान लेंगे कि ए सही है तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए वो सारा वैल्यू पुट करेंगे, अगर वन आ रहा है तो फिर ओके। नहीं ये वन उल्टा नहीं करना है हमें, वो है टेन, मतलब ये तुम उल्टा कर रहे हो, पता है वन वे है, ये वन वे है क्वेश्चन, इफ एंड ओनली इफ नहीं पूछा है, अगर वैसा हो रहा है तो क्या होगा, ये नहीं कि ऑप्शन हो रहा है तो वो होगा, उल्टा नहीं, देखो देन लिखा है मतलब तुम उसको ट्रू मानो और ऑप्शन कौन सा इम्प्लाई करेगा, ये वन वे है, लेफ्ट टू राइट है, तो राइट टू लेफ्ट नहीं करना है, तो लेफ्ट वाला करेक्ट है तो राइट वाला बताओ कौन सा होगा। सर लेफ्ट वाला ही बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बोल रहा है कि अगर ऐसा है, ये गिवन था ना, ऐसा है तो क्या होगा, तुम अगर ऑप्शन से जा रहे हो तुम ये सोच रहे हो कि ऑप्शन सही है तो ये होगा कि नहीं, तुम ये चेक कर रहे हो ना, तो हमें ये नहीं करना है, हमें ये करना है। तब तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि वन वे है, मतलब इफ एंड ओनली लिखा होता है दिस इफ एंड ओनली, बाय द वे इफ एंड ओनली होता तो भी मुझे लगता है करेक्ट ही होगा क्योंकि हम इफ एंड ओनली लगा सकते थे डबल इंप्लाइज, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम ट्राई कर सकते हो, कोई गलत प्रूव हो जाएगा तो गलत के लिए एक एग्जांपल काफी। ओके तो अभी भी कुछ बचा है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। जो बच गया वो नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, मेरे लिए 20 मतलब प्रूफ वाला बचा है जो थोड़ा थ्योरेटिकल प्रूफ है, तो 2007 का ख़त्म, ये 2008 का पेपर है। ओके ओके कंसीडर द फॉलोइंग टू सीरीज, ठीक है, S1 है समेसन 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू के प्लस 3, k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, एंड दूसरा है समेसन 1 अपॉन रूट k प्लस 1, 1 अपॉन रूट k प्लस 3,
तो के बराबर वन से इन्फिनिटी कह रहा है कि कौन सा कन्वर्ज करेगा कौन सा डाइवर्ज करेगा, तो इजी नहीं लग रहा तुमको। एस वन क्या होगा बताओ, एस वन का डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? कन्वर्ज करेगा, दिखेगा तो वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस थ्री, तो ये कन्वर्जेंट है पहला वाला। दूसरा वाला क्या होगा, डिग्री क्या होगी के के डिनोमिनेटर में? डाइवर्जेंट होगा। तो पी टेस्ट भी लगा सकते हो बाय द वे, जानकारी के बता दूं, पी टेस्ट से पहला एस वन कन्वर्जेंट है, पी टेस्ट से एस टू डाइवर्जेंट है, क्योंकि डिग्री वन है के की। के की जगह एन रख दो तुम, तो एन की डिग्री वन है, तो वो पी टेस्ट से डाइवर्जेंट है, एस वन कन्वर्जेंट है। सेकेंड पे आओ, एफ जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एफ, और जी तुम्हें ये दे रखा है, एक्स है अगर एक्स जीरो से वन के बीच है, एक्स माइनस वन, एक्स वन से टू है, एक्स माइनस टू, एक्स टू से थ्री है, जीरो है जब थ्री है, तो एक्स जीरो से थ्री के बीच है तो सम करो। तो पहले तुम एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ओपन कर लेना, तुम्हें पता है ना जैसे 0.1 होगा जीरो होगा, सो जब एक्स की वैल्यू जीरो से वन में होगी तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ? जीरो। जीरो मतलब जैसा तुम्हें जी दिख रहा है ना उस टाइप से तुम एफ को बना लेना, मतलब जी के जैसा ही तुम एफ को कर लेना, फिर ऐड करने में तुम्हें आसानी होगी, मतलब डोमेन सिमिलर दिखेगा तो आसानी होगी। मतलब ये है कि जब भी दो अलग अलग टाइप के फंक्शन को तुम्हें ऐड करने की नौबत आए तो पहले उसका डोमेन कॉमन कर लेना, तो उससे आसान होगा। जैसे एफ एक्स है तो मैं करूँगा कि ठीक है एक्स जीरो से वन के बीच में क्या है, एक्स वन से टू में है तो क्या होगा, एक्स टू से थ्री में है तो क्या होगा, एक्स थ्री से, जैसे इसने जी को लिखा मैं वैसे ही लिखूंगा, जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, ठीक है। जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, ठीक है ना, और एक्स बराबर थ्री लिया लास्ट में, बराबर थ्री ले लेते हैं इस तरीके से। इक्वलिटी कहाँ लगाया, लेफ्ट एंड में, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये वन है, ओके। अब यहाँ बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, सो एक्स जब जीरो से वन के बीच है तो आंसर क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, क्या लिखूँ मैं पहला? जीरो जीरो जीरो, वन टू और थ्री में क्या होता है थ्री, हो गया। अब जी तुम्हें दे रखा है ऐड कर लो सीधा सीधा, दिख जाएगा, अब डायरेक्टली ऐड करना है मैनुअली, पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले, तीसरे वाले को तीसरे वाले, चौथे वाले चौथे वाले, वैसे फिर तुम डिसाइड कर लेना। तीसरा फंक्शन आ जाएगा एफ जी, तो है मान लो एच आ गया सम, अब एच के बारे में सोचो, वो तो नॉर्मल फंक्शन होगा एच, तो उससे कर सकते हो। ओके थर्ड पे आओ, एरिया ऑफ द रीजन स्ट्रेट लाइन, ये ट्वेल्थ क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है ये हो जाएगा। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन इंटीग्रेशन, सो क्या करोगे इसमें बताओ, फोर्थ में क्या करोगे? लेबनीज, ठीक है, डिफरेंशिएट कर लो सीधा, ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। फिफ्थ, ए थ्री क्रॉस थ्री नॉन जीरो मैट्रिक्स है इस तरह से कि ए स्क्वायर जीरो है, ओके, कोई जरूरी नहीं ए जीरो होगा, है ना, भी है जो जीरो नहीं है लेकिन स्क्वायर करने पे जीरो हो जाता है, तो ए कोई थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर जीरो है, तो लैम्डा स्क्वायर इज जीरो, ओके, और यह बोलते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होगा, ओके, दिस इज एक्चुअली, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल, एक होता है मिनिमल पॉलीनोमियल, एक बीच में होता है एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल, है ना, एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल, तो ये लैम्डा स्क्वायर जीरो है, फाइन, एक्स बराबर जीरो, ओके, सो द नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ ए इज, बताओ, बोल सकते ना कि ए निलपोटेंट मैट्रिक्स है, हाँ निलपोटेंट है बिल्कुल, सो निलपोटेंट मैट्रिक्स में सारे आइगन वैल्यू जीरो होते हैं, आर यू सेइंग दैट? यस सर, आई एम टेलिंग दैट, ओके ओके, ठीक है, यस सर, सो निलपोटेंट मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू जीरो होते हैं, ये थ्योरम है, तो उसको तुम यूज करके बोल सकते हो जीरो, फाइन। व्हाट अबाउट सिक्स? आउट ऑफ सिलेबस, अच्छा आउट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये नहीं करना है। सेवेंथ,
इट्स सिंपल सर। x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो पर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, दोनों इंडिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो x y पता है। ओके सर, वैसे थोड़ी होगा x इक्वल टू जीरो पर, तीन केस बनेंगे ना जब आइदर x, हाँ हाँ हम देखते हैं क्या कह रहा है। x पॉइजन 2 है तो x की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 फाइन, y बाइनोमियल है 10 3 y 4 तो y की वैल्यू हो सकती है 0 से 10 तक, और एक्स वाई बार इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दे रखा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्स इंटू वाई जीरो होगा। तो एक्स इंटू वाई जीरो कब कब हो सकता है, जब एक्स जीरो या वाई जीरो या दोनों, तीन केस है ना। हाँ, ओनली एक्स इज जीरो, वाई कैन बी एनीथिंग, ओनली वाई इज जीरो, एक्स कैन बी एनीथिंग, दो अलग अलग, और देन बोथ आर जीरो। ठीक, तो उसको भी ध्यान रखना है कोई इंटरसेक्शन ना हो, आई मीन एक ही चीज़ को तीन बार ऐड ना करो, उसके हिसाब से करके देखना। ये बस ब्रेक करना है दो पार्ट में, इंडिपेंडेंट है तुम अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसे लिख सकते हो एक्स जीरो वाई नॉन जीरो, ओके, देन एक्स नॉन जीरो वाई जीरो, तीसरा केस है एक्स जीरो वाई जीरो, इस तरह तीन केस कर सकते हो, तो वो सही रहेगा, जैसे भी समझ आए कर। एट्थ, x1 x2 xn with a random sample from exponential 1, then the distribution of 2n x bar each, okay, so x bar matlab kya summation xi upon n, 2 summation xi hai, 2n x bar ka matlab kya hua, 2 summation I square 2n hoga, to tum seedha kya karo usse nikal lo chaho to, mgf use kar sakte ho chaho to, aur dusra tarika hai kaise karoge डायरेक्ट, वो फॉर्मूला ही होता है ना, जैसे x बार तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। हाँ, एक्सपोनेंशियल का सम गामा करेगा 1 कॉमा n। सो व्हाट इज आंसर, आंसर क्या होगा इसका फाइनल? सर ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 समेशन ऑफ xi फॉलोज chi स्क्वायर विद 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम। दोबारा बताओ, जैसे 2n x बार है ना, तो x बार को लिख देंगे समेशन ऑफ xi बाय n, n n कैंसिल हो जाएगा, 2 समेशन ऑफ xi हो जाएगा, समेशन ऑफ xi अगर हमको फॉलो कर रहा है गामा, तो 2 समेशन 2x फॉलो करेगा का स्क्वायर विद 2n। ओके, okay. से भी ये तुम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ वो से भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन से भी सबसे बढ़िया MGF से कर सकते हैं, एम जी एफ से भी कर सकते हो, फिर उसका तुम्हें एम जी एफ को मैच करना है, कंपेयर करना है ना, तो एक्सपोनेंशियल 1 का एम जी एफ पता है, फिर उसको यूज़ करके देन 2 समेशन एक्स आई है, तो उसका एम जी एफ जो भी आएगा एट लास्ट उसको कंपेयर करना होगा तुम्हें चारों ऑप्शन के एम जी एफ से। ठीक है, सपोज एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विथ फाइनाइट वेरियंस, x is a random variable with finite variance, theta 0 से 1 में है, n more than 3 है, let x1 is equal to capital X, ऐसा है, और x2 is theta time capital X1, और x3 is theta time capital X2 and so on, xn is theta time xn minus 1, then correlation coefficient between x1 and xn, तो xn को सीधा तुम उसके टर्म में निकालो, बताओ क्या होगा, मतलब xn को तुम x1 के टर्म में पैटर्न देख ले, पैटर्न देख लो, हाँ x1 और x2 में देख लेंगे पैटर्न, ऐसे दिख जाएगा, देखो x2 क्या है, थीटा x1 है, और x3 में आ जाओ, x3 में आओगे, सो व्हेन यू कम टू x3, x2 की जगह पे थीटा x1 रखेंगे, हाँ तो x3 बराबर थीटा स्क्वायर x1 आ गया, x3 बराबर थीटा स्क्वायर x1, x4 बराबर थीटा क्यूब x1, तो xn बराबर थीटा की पावर n माइनस 1 x1, ओके यस, xn बराबर जो होगा थीटा की पावर n माइनस 1 x1 हो गया। ठीक है, xn बराबर थीटा की पावर n माइनस 1 x1, अब निकाल लो थीटा, उसको बाहर कर लो, एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x1 क्या होता है,
अच्छा एक्स वन एक्स है वेरिएंस ऑफ एक्स हाँ वेरिएंस ऑफ एक्स सो एक्स रैंडम वेरिएबल इज फाइनाइट वेरिएंस तो वेरिएंस दिया है क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना कोवेरिएंस निकालना तो अपॉन डिवाइड भी तो होगा ठीक है ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को तो उसको यूज कर लो कोरिलेशन निकालना कोरिलेशन कोवेरिएंस नहीं पूछ रहा सिर्फ कोरिलेशन कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस एक्स1 रूट वेरिएंस तो वो कट जाएगा वेरिएंस वाले टर्म कट जाएगा तो फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा उस तरह से राइटिंग थीटा की पावर सो व्हाट विल बी आंसर सिंपलीफाई करके देखना पड़ेगा अरे थीटा लग रहा है मिस हो रहा है हमको लगता है थीटा सी आ जाएगा थीटा माइनस थीटा पावर n माइनस 2 क्योंकि ऊपर में n माइनस वन मिल रहा है थीटा पावर और एक नीचे से जाएगा ओके तो डिनोमिनेटर में क्या होगा रूट अंडर वेरिएंस एक्स वन इनटू रूट अंडर वेरिएंस एक्स एन तो एक्स एन इज नथिंग बट थीटा की पावर n माइनस वन ओके तो उसका रूट करेंगे n माइनस वन अपॉन टू वेरिएंस ऑफ एक्स वन लेंगे तो वो वन हो जाएगा और वेरिएंस ऑफ एक्स एन थीटा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स एन माइनस वन तो वेरिएंस ऑफ सब मेरा क्या है मेरा आईआईटी बोल सकते हैं यहाँ पे नहीं बोल सकता वो लिख के देखना पड़ेगा लिख के देखो उसको समझ आ जाएगा सर वो क्या है ना सर थीटा टू द पावर एन माइनस टू होगा ना क्योंकि हमारे पास एक्स एन माइनस वन है लास्ट वाला टर्म वो चेक करता हूँ मैं पर रुक जाओ x2 टू इज थीटा एक्स वन है ना और x3 बराबर था थीटा x2 टू सो एक्स टू पुट करूंगा तो क्या होगा थीटा स्क्वायर एक्स वन आ जाएगा अच्छा अच्छा यहाँ ये यहाँ इस टर्म से देखना है हम लोग को तो लास्ट वाला टर्म एक्स एन माइनस वन है एन माइनस वन है वहाँ पे तो यहाँ पे थीटा में पावर एन माइनस टू होगा एक्स फोर क्या होगा थीटा एक्स थ्री है यही ना तो एक्स थ्री रखोगे हाँ। थीटा की पावर क्यू आ जाएगा यस सर ये पैटर्न सही चल रहा है क्या सही रखो हाँ तो अगर मैं एक्स एन लिखता हूँ तो क्या होगा एन माइनस वन एक्स एन आ जाएगा एन माइनस टू अच्छा ऐसा होना चाहिए ओके आगे आते हैं देखो अब क्या है हमें पूछा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वन एक्स वन या एक्स एक्स वन एंड ओके सो एक्स वन इज एक्स ओनली चलो करके देखते हैं एक्स एन सो कोवेरियंस बिटवीन एक्स वन एंड एक्स एन अपॉन वेरियंस एक्स वन वेरियंस एक्स एन का रूट ओके अब देखो क्या होगा सो ठीक है ना सो कोवेरियंस बिटवीन एक्स वन और यहाँ होगा थीटा की पावर एन माइनस वन एक्स वन और अपॉन यहाँ रूट में है तुम्हारा वेरियंस एक्स वन रहें तो ऐसे ही ठीक है या तुम चाहो तो इसका नाम दे दो कुछ और यहाँ हो जाएगा वेरियंस इसको लिखोगे थीटा की पावर एन माइनस वन इन टू एक्स वन फाइन अब ये वेरिएंस बाहर आएगा जब थीटा की पावर एन माइनस वन इस वेरिएंस से बाहर आएगा तो क्या होगा फिर वही हो जाएगा थीटा की पावर एन माइनस वन कांस्टेंट वेरिएंस बाहर आता तो क्या होता है वेरिएंस आपके स्क्वायर होगा फिर स्क्वायर रूट होगा तो फिर इधर आ जाएगा ना तो उसको बाहर कर लोगे ओके और ऊपर क्या होगा इसको जब ओपन करोगे तो कोरिलेशन वन आ रहा है तो वन ऑप्शन में था क्या इसको थीटा की पावर एन माइनस वन कोवेरियंस बिटवीन एक्स वन एंड एक्स वन ठीक है और यहाँ जब करोगे तो ये रूट अंडर वेरियंस एक्स वन और इसको बाहर करोगे वेरियंस में बाहर क्या है कॉन्स्टेंट बाहर आता है वेरियंस से तो अपना स्क्वायर बन के आता है तो थीटा की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर बन के बाहर आएगा और यहाँ बचा वेरियंस एक्स वन ठीक है तो रूट अब हटा सकते हो तुम तो ऊपर है थीटा की पावर एन माइनस वन कोवेरियंस x1 को हम बोलेंगे वेरियंस x1 और रूट में दो बार वेरियंस x1 है तो बाहर आएगा तो एक वेरियंस x1 बन के आएगा और थीटा की पावर n माइनस वन का स्क्वायर है तो ये और ये कैंसिल हो गया ये और ये कैंसिल हो गया आंसर बना दो ओके ठीक करो
है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो कोरिलेशन है कोवेरियंस अपॉन वेरियंस का, ठीक है फाइन। तो ओके, तो इस तरह से कर सकते थे वो कैलकुलेशन मेंटली, कभी कभी ना थोड़ा वो कुछ टर्म्स को हो जाता है, इसलिए लिख के करोगे तो गलती नहीं होगी। ओके नाइन्थ, वो लिखने पर दिख जाता है। टेंथ, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री विद इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। अच्छा ये एक्स थ्री जो है इंडिपेंडेंट है एक्स के साथ, एक्स के वन टू थ्री हो सकता है। ओके, हैविंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस, ठीक है ये सब इंडिपेंडेंट है और पीडीएफ दे रखा है। तो देन सफिशियंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा ईच, यस सो सफिशियंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा, तो हाउ विल यू फाइंड सफिशियंट, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो तुम फैक्टराइजेशन थ्योरम, समझा हो जाएगा फिर छोड़ दीजिए, इजी है ना फैक्टराइजेशन थ्योरम, इजी है। सो 11th, एक्स विद रैंडम वेरिएबल सच दैट ई ऑफ मॉड एक्स इज फाइनाइट प्लेस, तो मतलब मीन एग्जिस्ट करेगा, ये कंडीशन होता है मीन एग्जिस्ट करने के लिए। तो और तुम्हें बता रखा प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू हाफ प्लस एक्स बराबर प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ माइनस एक्स, देखो हाफ प्लस एक्स से ज़्यादा और हाफ माइनस एक्स से कम उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, तो इसको बोलते हैं आई थिंक सिमेट्रिक अबाउट हाफ। ओके क्या पूछ रहा है, ई ऑफ एक्स मीन और मीडियन बताओ क्या होगा, व्हाट अबाउट मीन एंड व्हाट अबाउट मीडियन, हाउ विल सॉल्व, बताओ भाई इसको कैसे यूज करोगे। सो तो डेफिनेशन तुम देख सकते हो, सर हो गया वो कर सकते हैं, इसे जो एक्स का लिमिट है हम लोग को ये देखा जाए, एक्स का लिमिट नहीं मतलब जो इक्वल दोनों दिया है ना प्रोबेबिलिटी, तो पहले हम देखेंगे कि एक दिया है कि एक्स से लेस होना चाहिए वन, मतलब कि एक एक साइड वाला दिया और एक एक साइड वाला दिया है प्रोबेबिलिटी, तो फिर हम पहले एक्स का कंबाइंड सोचेंगे कि मतलब लिमिट कैसे नहीं क्या होगा। सिमेट्रिक हाफ के आउट सिमेट्रिक हो जाएगा, उसका मीडियन और मीन दोनों वही, मीन 1/2 ही होगा, दोनों हाफ होगा, हाँ हाँ क्योंकि हाफ के और सिमेट्री का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म, मीडियन का डेफिनेशन भी है मिडिल टर्म निकालना, तो डेफिनेशन ऑफ मीडियन क्या है मिडिल टर्म, और चूंकि ये सिमेट्रिक है तो एवरेज तुम फाइंड करोगे मतलब मीन तुम लोगे तो हाफ आएगा। ओके सो मतलब ये डेफिनेशन भी है, तो जब हम किसी रन में बोलते हैं सिमेट्रिक है किसी कॉन्स्टेंट के अबाउट, तो इस तरह से डेफिनेशन होता है कि उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और उससे पीछे है ना, एक्स यू कैन वेरी, सो इन दैट केस सिमेट्रिक अबाउट हाफ, तो मीन मीडियन दोनों हाफ होगा, ठीक है वेरीफाई कर लेना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, बट डायरेक्टली इफ यू रिमेंबर फाइन, अदरवाइज प्रूफ पे जाना पड़ेगा, प्रूफ कुछ थ्योरेटिकल होगा। अगर मतलब प्रूफ करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि सीडीएफ में ले आओ, सीडीएफ के टर्म में ले आओ, उससे फिर हो जाएगा, सीडीएफ के टर्म में डिफरेंशिएट कर लो फिर उससे कुछ हो जाएगा। ये सीडीएफ से ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो दोनों लिमिट है एक्स का, मतलब जो एक्स का एक अपर लिमिट हो गया एक्स का लोअर लिमिट हो गया, तो दोनों ऐड करने पे मतलब एक्स का फुल लिमिट हमको मिल जाएगा, तो हम इस कंडीशन को सर लिख सकते हैं कि 1/2 + x = x
अरे देखो भाई x को तुम 0 रख दो एक कंडीशन में, चलो x को मैम 0 पुट कर दिया, स्मॉल x को 0 रखो, क्या मिल रहा है? हाफ से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी और हाफ से कम की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो ये मीडियन की डेफिनेशन हो गई, तो हाफ मीडियन हो गया ठीक है। और अब मीन का है, तो मीन फिर से वो हाफ के अबाउट सिमेट्रिक है, सो एवरेज क्या होगा? जैसे नॉर्मल तुम जानते हो नॉर्मल क्या होता है, म्यू के अबाउट सिमेट्रिक होता है, क्योंकि मीन म्यू है, स्टैंडर्ड नॉर्मल 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इस तरीके से तो मीन मीडियन दोनों हाफ होगा ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सिमेट्रिक कोई रैंडम वेरिएबल है, सिमेट्रिक अबाउट 0 है ऐसा लिखा था, तो उस दिन बताया था ना कि मीन विल बी 0 ऑलवेज, तो वही चीज़ है ना, वहाँ जो यूनिफॉर्म -1 लिया था हमने, तो अगर एक कोई रैंडम वेरिएबल है, सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, तो मीन हमेशा 0 होगा, सिमेट्रिक है हाफ के अबाउट, तो मीन हाफ है, मीडियन भी हाफ है, एक्स को 0 रख दो, तो हाफ से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी हाफ से कम की प्रोबेबिलिटी बराबर है, इसका मतलब है कि वो हाफ जो है उसका मीडियन है, तुम सी डी एफ हाफ 1 आ जाएगा चाहो तो प्रूफ कर दो, प्रूफ भी ईजी हो गया, एक्स को 0 रख के कर सकते हो, सो सी डी एफ एट हाफ विल बी सी, तब सी डी एफ हाफ विल बी हाफ ओके। आओ 12 पे, तो आंसर इसका होगा मीन मीडियन दोनों हाफ है। तो नेक्स्ट टू एक्स एन एंड सो ऑन बी द सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम, मोड भी रहता तो कह सकते थे ना कि मोड भी इक्वल होगा। मोड क्या होता है, डेफिनेशन क्या है मोड का? द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा ये मतलब रूल है कि मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, हाँ तो उसी पे हाईएस्ट होगा, इज इट मे बी शायद, हाँ मोड भी आप हो सकता है, क्योंकि मोड कैसे डेफिनेशन जो है ना, सो डिस्क्रीट डाटा के लिए हम बोलते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। उसका सोचना पड़ेगा तुम्हें मोड का, पता नहीं, सो मे बी हाफ बट नॉट श्योर। चलो 12 देखते हैं, सो क्या है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है एक्स 2k-1 और ठीक है मतलब ऑड 2k-1 का मतलब क्या हुआ 1, 3, 5, 7 इस तरह से ऑड वाला जो रैंडम वेरिएबल है उसका पीडीएफ वो डिस्क्रीट है उस तरह से, और जो इवन वाला है एक्स 2k उसका पीडीएफ इस तरह से है, तो बोल रहा है कि बताओ ये क्या होगा, तो अप्लाई करना इस पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम ओके, सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई की कोशिश करना मीन वेरिएंस निकालने का इसका, थर्टीन है एक्स वन एक्स टू एक्स वन से एक्स नाइन तक बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा वन, कंसीडर द फॉलोइंग टू टेस्ट फॉर टेस्टिंग एच नॉट विच इज 0.2.5 H1 0.5, फिर सिंपल वर्सेस सिंपल है, सो दो तरह का टेस्ट दिया हुआ है, सपोज अल्फा के एंड बीटा के आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ टाइप वन एंड टाइप टू एरर्स, तो अल्फा के है टाइप वन एरर, बीटा के रेस्पेक्टली फॉर टेस्ट के, के वन टू हो सकता है कुछ भी, देन क्या है मतलब दो टेस्ट है, दोनों टेस्ट का तुम्हें साइज टाइप वन एरर फाइंड करना, टाइप टू एरर फाइंड करना, अलग अलग मतलब दो क्वेश्चन है मान लो तुम्हारे पास ठीक है, एच नॉट एच वन सेम है बस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अलग अलग है या है ना कंडीशन अलग अलग है, तो उस दोनों के लिए फाइंड करो साइज एंड टाइप वन एंड टाइप टू की प्रॉबर्टी एरर की प्रॉबर्टी एंड देन कंपेयर कर लो, बस फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, ज़्यादा है नहीं कुछ। 14 एक्स वन एक्स टू एक्स एन बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस वन ओके, तो कंसिडर द थ्री एस्टिमेटर्स, तो एक तो nth ऑर्डर स्टैट्स है, देन एक्स वन प्लस एक्स एन अपॉन टू एंड एक्स वन प्लस एक्स एन अपॉन टू माइनस हाफ, देन टी वन एंड टी थ्री बोथ आर एम एल ई, टी टू इज नॉट, टी थ्री तो ये एम एल ई हमने इसका फाइंड किया था, तो वो इंटरवल आया था मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा, तो उसके बीच का देख लेना ना, वो एंड पॉइंट अल्फा लैम्डा टाइम फर्स्ट एंड पॉइंट प्लस वन माइनस लैम्डा, तो इस तरह से उसको चेक कर लेना कि उस इंटरवल में क्या क्या आ सकता है, तो एक इंटरवल आया था जो भी इंटरवल में फिट होगा डिफरेंट लैम्डा के लिए वो हो जाएगा।
A non-empty subset P is formed by selecting elements at random and without replacement from a set B consisting of N. ठीक है, non-empty subset P है, is formed by selecting elements at random and without replacement from set B consisting of N distinct element. So set B में N element है और P उसका subset है और हम select कर रहे हैं without replacement. Okay, तो another non-empty subset Q is formed a similar fashion from the original set B consisting of same element. ठीक है, same way में. Then the probability that P and Q do not have any common element is. तो जस्ट थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइप का हो गया, तुम्हें सोचना है. तो व्हाट इज वेल द आंसर, क्या सोचना ऐसे तुम ऊपर से देखो तुम्हें लग रहा होगा सारा ऑप्शन सेम ही तो है, बस ध्यान से देखो तो अलग अलग है ना. सोचना है इस पर, ठीक है. मतलब ऐसा क्वेश्चन इजी है, वो थोड़ा लॉजिकली तुम्हें सोचना है बस. तुम्हारे पास एन एलिमेंट है, तुमने पी में क्या किया, यू सेलेक्टेड एलिमेंट्स विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बोला है, अनदर नॉन एम्प्टी सबसेट क्यू इज फॉर्म्ड इन अ सिमिलर फैशन फ्रॉम द ओरिजिनल सेट बी कंसिस्टिंग ऑफ सेम एलिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी दैट पी एंड क्यू डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट. तो पी क्यू में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा. हमने सबसेट लिया, दो सबसेट लिया एक्चुअली, पहले सेट सबसेट उठाए, फिर ओरिजिनल सेट में दूसरा सबसेट, दो सबसेट उठाया एक साथ, ऐसे समझ लो. तो क्या चांस है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा. तो चलो ऐसा समझ सकते हो, एक सेट है, हम दो अलग अलग सबसेट बना रहे हैं, तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिमाग लगाओ, और ना हो तो फिर बताना नेक्स्ट क्लास में, तब नंबर ऑफ वे काउंट करना है. सर यहाँ पर n जो है वो ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है. हाँ, तो ऑब्वियसली अगर n 1 होगा तो फिर किसी एक ही में जाएगा, फिर दोनों a p और b में से कोई, मतलब p q में से कोई एक एम्प्टी हो जाएगा, इसीलिए मोर देन 1 दिया है. मतलब फिर भी i 0 या 1 से स्टार्ट हो सकता है ना या नहीं? आई जीरो से स्टार्ट हो सकता है, सोचना पड़ेगा. वही तो इस क्वेश्चन का लॉजिक है, क्योंकि नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखो, ए सी ऑप्शन में जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, बी डी में जीरो से स्टार्ट हुआ है. तो सोचो तुम जीरो सेलेक्ट करोगे क्या, किसी एक सेट में जीरो एलिमेंट होगा. नॉन एम्प्टी का है ना, अच्छा मैं अभी करूँगा तो आंसर ही बता दूंगा, तुम उसे सोचो फिर, तो मैं सोचूंगा तो फिर आंसर तो आ जाएगा ना. तो तुम लोग क्या सीखोगे इसको, ट्राई करो तो फिर कल सोचेंगे ना. यस सर, कल तक क्योंकि ट्राई करो, मतलब ये है कि काउंटिंग करना है, तो सोचो तो फिर कल डिस्कस करते हैं. अब बस एक बार देख लेते क्वेश्चन क्या क्या है. इन ए वन कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम टू कॉइन्स. सर क्या बोला, अच्छा दो कॉइन है उसमें से एक सेलेक्ट किया. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड फॉर वन ऑफ देम इज 1/3 एंड फॉर द अदर इज हाफ. तो एक में से हमने सेलेक्ट किया, मतलब एक कॉइन में हेड आने की 1/3 प्रोबेबिलिटी है और दूसरे में हेड आने की हाफ प्रोबेबिलिटी है. इफ द सेलेक्टेड कॉइन इज टॉस्ड एंड द हेड शोज अप. तुमने कॉइन एक कॉइन सेलेक्ट किया, सस्पेंस है यहाँ पे, कौन सा वाला, कॉइन वन कॉइन टू. तो ये पार्टीशन बना रहा है, E1 इज सेलेक्टिंग फर्स्ट कॉइन, E2 इज सेलेक्टिंग सेकेंड कॉइन. एक कॉइन जिनमें से कोई एक कॉइन हमने टॉस किया और हेड आ गया, तो हेड आ गया गिवन है, मतलब बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये. तो इवेंट ए इज हेड शोज अप, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ फेयर कॉइन. फेयर कॉइन मतलब E2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए, फेयर मतलब हाफ हाफ चांस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए निकालना, बेस थ्योरम है करना. लेट पी डिनोट प्रोबेबिलिटी दैट द वेदर आइदर वेट और ड्राई टुमारो विल बी सेम एज दैट ऑफ टूडे. ओके, पी प्रॉबर्टी है कि आज का वेदर वही रहेगा, सॉरी कल का वेदर वही होगा जो आज का है. ओके, इफ द वेदर इज ड्राई टुडे सो दैट पी एन प्रॉबर्टी दैट इट विल बी
ड्राई एन डेज लेटर सेटिस्फाई दिस रिकर्सिव. तो ये रिकर्सिव इक्वेशन है. सो दिस इज रिकर्सिव इक्वेशन और रिकर्सिव रिलेशन दिस. हेंस और अदरवाइज डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ पी 50 फॉर पी इज इक्वल टू 3/4. तो रिकर्सन में क्या है ना, एक एक करके वैल्यू पुट करके तुम बता सकते हो या जनरल फार्मूला भी निकाल पाओगे. अगर तुम चाहो फिट उसको सिंप्लीफाई करो तो एक जनरल फार्मूला आ जाएगा. मतलब ये होता है क्या, इसमें पी एन माइनस वन यूज़ हो रहा है पी एन में, लेकिन तुम चाहो तो एक्सप्लिसिटली पी एन भी फाइंड कर सकते हो इसको यूज़ करके. तो वो तुम्हें करना है पी 50 के लिए. ठीक है, तो स्मॉल पी क्या है, स्मॉल पी है प्रोबेबिलिटी आज और कल का वेदर सेम होगा. और तुम्हें बता रखा है कि आज वेदर ड्राई है, तो प्रूफ करना है कि उससे रिकर्सिवली ये पी एन तुम्हारा ये रिलेशन फॉलो करेगा. तो तुम्हें उसको ना पी टू पी थ्री है ना. अच्छा, पी एन क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ड्राई एन डेज लेटर, एन डेज लेटर, एन डेज लेटर. ओके, सेटिस्फाइज दिस. मतलब इस तरह तुम चाहो तो एन को वन रख के देख लो, एन को वन रखो तो क्या आ जाएगा, पी वन की वैल्यू इस तरह से कुछ आ जाएगी. बट एन इज मोर देन इक्वल टू वन, यस, इस तरह से. ठीक है, ट्राई करेंगे सर. हाँ, इसको स्टार्ट करोगे तो पहले डिफरेंट एन के लिए सोचना, फिर उसको यू हैव टू रिलेट देम. मतलब नेक्स्ट डे को पिछले वाले डे से रिलेट करना है, उससे कुछ आएगा. कोई बात नहीं, ट्राई करना. बार को अच्छे से 17 X and Y have the joint PMF this. Determine करो कि M T1 T2 जो कि joint MGF है X Y का, तो M joint MGF find करना है. तो joint MGF formula पता था ना, E of T X1 plus S या T1 X1 plus T2 X2. Yes sir. तो उसको use कर सकते हो. तो यहाँ हो जाएगा ना T1 X plus T2 Y, उसको use करके करो summation लगा के. फिर समेशन सॉल्व करना पड़ेगा. डेफिनेशन पर देख लेना, टू वेरिएबल में एमजीएफ का क्या डेफिनेशन है, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी वन एक्स वन प्लस टी टू एक्स टू. उससे फिर सिंप्लीफाई करना है समेशन. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स गिवन वाई इज दिस, द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई इज दिस, डिराइव द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ वाई गिवन एक्स. तुम्हें x गिवन y दिया है तो उससे ज्वाइंट आ जाएगा, क्योंकि y का तुम्हें दे रखा है यहाँ पे नीचे, तो उससे ज्वाइंट आ जाएगा. ज्वाइंट से फिर तुम्हारा x का आ जाएगा, और x का आ गया तो फिर y गिवन x आ जाएगा. तो बस उसी को करना है. ठीक है, x गिवन y का पीडीएफ पता है तो उससे ज्वाइंट मिल जाएगा. ज्वाइंट मिला तो ज्वाइंट से फिर x का मिल जाएगा. x का मिल गया फिर वो तुम्हारा आ जाएगा एक y गिवन x. X1, X2, XN with a random sample from the distribution having PDF this. Okay, so find the MLE. MLE निकाल लोगे. Determine the constant C such that E of expectation of C time theta cap is theta. So पहले theta cap निकालना पड़ेगा जो कि MLE है. So हो जाएगा. Find the method of moment. ये भी simple है. हाँ, method of moment X bar बराबर summation EX. Okay, 19. X1, X2, XN with a random sample from a distribution having PDF this. So, karo summation ln xk is the sufficient and complete for theta. So, theek hai bhai, isme wo laga lena. Pitman, Koopman tha, matlab exponential family wala. So, seedha aa jayega. Theek hai, exponential family lagao, easily seedha seedha dikh jayega ek line mein. Sufficient ho gaya. Phir uske baad, find Cramer rule lower bound of the variance of unbiased at this ln theta. Okay, so ln theta ke liye formula seedha seedha question pucha gaya hai.
इसका फॉर्मूला था ठीक है ना, जी डैश थीटा का स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ लाइक्लीहुड लाइक्लीहुड फंक्शन, तो उससे आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, लेट x1 x2 बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पीडीएफ fx, कंसीडर द टेस्टिंग h0 में f को f0 यूज करोगे, h1 में f को f1, इस टाइप का क्वेश्चन द्वारा 21 में भी आया था ठीक है ना, कोई साल तो f0 f1 दे रखा है, तो फॉर अ गिवन लेबल सो दैट द क्रिटिकल रीजन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यूज करो, हो जाएगा एल थीटा वन अपॉन एल थीटा नॉट मोर देन के, तो उससे ही आ जाएगा। डिटर्मिन सी इन टर्म्स ऑफ अ सुटेबल कट ऑफ पॉइंट ऑफ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द लेवल इज अल्फा, सो अल्फा तुम्हें दे दिया है, लेवल ऑफ द टेस्ट है, तो रिजेक्टिंग एच नॉट, एच नॉट इज ट्रू। अब उसको यूज करके तुम्हें बता रहा है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में सी बताओ, पूछने जा रहा है कि सी की वैल्यू बताओ काई स्क्वायर के टर्म में। वो नोटेशन देखा था ना, काई स्क्वायर लाइक एन कॉमा अल्फा, तो इसका मतलब था उसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, तो इस तरह से सी फाइंड करना है, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा इस टाइप से कुछ। पहले तो टेस्ट स्टेप प्रूफ कर लोगे, फिर अल्फा को यूज करोगे, अल्फा बराबर प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, और रिजेक्टिंग एच नॉट कंडीशन ये दे रखा है और सैंपल की साइज 2 है, तो ये एफ नॉट यूज करना है पीडीएफ में तुम्हें, आ जाएगा ठीक है, उसमें काई स्क्वायर समथिंग होगा, तो वही तुम्हें पता करना है क्या होगा अल्फा के टर्म में सी की वैल्यू, काई स्क्वायर में अल्फा के टर्म में क्या होगा। सर वो कट ऑफ पॉइंट क्या है? वही एक्चुअली कट ऑफ पॉइंट का मतलब है जैसे क्या होगा, मतलब वो नंबर क्या होगा, जैसे लाइक तुमने देखा था ना जैसे काई स्क्वायर 2n कॉमा अल्फा है, तो ये कट ऑफ पॉइंट है, जैसे हम यूज करते थे मान लो जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर का, तो इसको लिखते थे ना काई स्क्वायर 2n कॉमा या n कॉमा अल्फा, इसका मतलब इधर अल्फा प्रोबेबिलिटी, इधर 1 माइनस अल्फा है, तो दिस पॉइंट इज कट ऑफ पॉइंट इस तरीके से। सो लाइक वो नंबर क्या होगा, तो ये सी हो गया, तो यही तुम्हें पता करना है वो कौन सा नंबर है ये, मतलब सिमिलर टू जेड स्कोर। हाँ वही, मतलब वो उसके टर्म में कुछ आएगा, व्हाट इज दैट नंबर। सो ये नंबर तुम्हें इसके टर्म में कुछ सी फाइंड करना है, व्हाट इज दैट नंबर सी, तो ये काई स्क्वायर के टर्म में कुछ आएगा। इसमें सीडीएफ दे रखा है, सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमने किया इस टाइप के पहले भी, इससे भी क्वेश्चन है ना, हर बार मिला है सीडीएफ दिया, सीडीएफ से कैसे निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो वो है ना एफ 2.5 यहाँ होगा माइनस एफ 1 माइनस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जिससे करते थे। लेट एक्स बी द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन जीरो वेरियंस 1, सो करो कि प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू सी जो होगा नॉर्मल है मीन जीरो वेरिएंस 1, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल हो गया, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू सी इज लेस देन इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस सी टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2। ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा थियोरेटिकल है, सो यू कैन यूज सीडीएफ, वो सीडीएफ में इंटीग्रेशन होता है ना, मतलब पीडीएफ का इंटीग्रेशन करोगे सी से इन्फिनिटी, तुम्हें उसका बाउंड ढूंढना है, तो ऐसा ब्रेक करना है ताकि इंटीग्रेबल हो जाए वो, फिर ये बाउंड है अपर बाउंड, तुम्हें ये निकालना है कि वो जो वैल्यू आएगी, मतलब ये प्रोबेबिलिटी तो लिख ही सकते हो ना एक्सप्रेशन इसका, तो वो इंटीग्रेशन करना मुश्किल होता है, तो उसको तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो सो दैट वो इंटीग्रेबल हो जाए, फिर ये बाउंड मिल जाएगा ठीक है। प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन सी क्या होगा, सी टू इन्फिनिटी देन पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, अब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है टू गेट दिस टर्म।
ए वन जीरो है, ए एन प्लस वन है, ए एन स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन टू टाइम एन प्लस वन, सो दैट द सिक्वेंस ए एन कन्वर्जेस एंड फाइंड इट्स लिमिट। पहले तो कन्वर्जेंस प्रूफ करने के लिए तुम्हें क्या लिमिट तो इजीली निकल जाएगा, एल बराबर है ना एल स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन टू टाइम्स एल प्लस वन। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लोगे तो लिमिट आ जाएगी, तो कन्वर्जेंट भी हो जाएगा, तो एमसीक्यू में तो इजीली लिमिट निकल जाएगा। कन्वर्जेंस प्रूफ करना है तो फिर वो थ्योरेटिकल जाना पड़ेगा तुम्हें, बाउंडेड दिखा दो और मोनोटोन दिखा दो, एक तो वो तरीका है, कोची दिखा दो दूसरा तरीका है ना, इस तरीके से सर्च करना पड़ेगा कुछ। तो ट्राई करना पड़ेगा ना हाउ टू प्रूव इट, बाकी लिमिट निकालना आसान है। एल बराबर फिर से बोल रहा हूँ एल स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन टू टाइम एल प्लस वन, तो जहाँ जहाँ एन या एन प्लस वन है एल रख दो और उससे लिमिट आ जाएगी। ए टू एन माइनस वन ये दे रखा है, ए टू एन दे रखा है ये, तो टेस्ट करो ये सीरीज कन्वर्जेंट है क्या। तो सीरीज कन्वर्जेंस के लिए पहले तो तुम ये चेक करोगे ए एन की लिमिट क्या है, अगर ए एन की लिमिट नॉन जीरो हो गई तो ये पक्का डाइवर्जेंट होगा, अगर ए एन की लिमिट जीरो हो रही है, सिक्वेंस ए एन की लिमिट जीरो हो रही है, तो कुछ भी हो सकता है, कन्वर्जेंट भी डाइवर्जेंट भी। लेकिन अगर समेशन ए एन में ए एन की लिमिट जीरो पर नहीं जा रही तो ये तो पक्का ही डाइवर्जेंट है, चेक कर लेना। इसमें और डिवन का चक्कर है। अच्छा दूसरी बात क्या होता है, कोई लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, तुम्हें पता होगा ना लिमिट यूनिक होता है। अगर ए एन की दो लिमिट आ गई, जैसे एग्जाम्पल करो यहीं पे मान लो ऐसा हुआ कि ए टू एन माइनस वन की लिमिट कुछ और है और ए टू एन की लिमिट कुछ और है, तो क्या होगा ए एन की लिमिट फिर डाइवर्ज करेगी है ना। जो दो सब सिक्वेंस अगर है, दो सब सिक्वेंस अगर अलग अलग लिमिट दे रही है, सो उस सिक्वेंस की लिमिट डाइवर्जेंट है ना, दैट सिक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, सो लिमिट इज यूनिक। तो इसीलिए उस तरह से केस हो सकता है, सो जस्ट चेक फॉर दैट। सर सीरीज पूछा है ना, तो सीरीज को सबसिक्वेंस से कर सकते हैं? नहीं, मैं बोला हूँ सीरीज में तुम चेक कर सकते हो वो कंडीशन कि सीरीज अगर ऐसा होता है, अगर सीरीज कन्वर्जेंट होगी देन एन जीरो पे जाना चाहिए, लेकिन अगर एन जीरो पे नहीं गया तो ये मतलब सीरीज डाइवर्जेंट है। तो टेस्ट करना है, प्रूफ तो करना नहीं है कि हमें पक्का तो है नहीं, तो हम टेस्ट करेंगे। तो हम पहले सिक्वेंस एन के बारे में सोचेंगे कि एन की लिमिट क्या है, और अगर ए एन जीरो पे नहीं जा रही है या ए एन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, अच्छा मान लो ए एन की लिमिट एग्जिस्ट कर भी गई तो वो जीरो नहीं है तो फिर भी डाइवर्ज करेगा सीरीज है ना, मैं इस थ्योरम की बात कर रहा हूँ। तो यू कैन यूज़ दिस, पर ट्राई करना, मतलब हो सकता है कि ये यूज़ होगा नहीं होगा पता नहीं। इसमें ऐसा है कि इफ़ ए एन डज नॉट कन्वर्ज टू जीरो देन समेशन ए एन इज अ डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। इस ये उल्टा तरीके से लिखा हूँ, इस तरीके से जानते होंगे कि इफ समेशन एन इज कन्वर्जेंट देन एन कन्वर्जेंस टू जीरो, ठीक है ना, दोनों सेम बात है, ये बात और ये बात बराबर है। सर ये तो हमको लग रहा है कि डीएलएम्बर्ट रेशियो बन जाएगा या फिर उस तरीके से, हाँ करके देखना दोनों दोनों को अलग अलग कर चेक कर लेंगे कि कन्वर्जेंट है कि नहीं कन्वर्जेंट। अगर ये मतलब इस सीक्वेंस मतलब इसको जब डीएलएम्बर्ट लगाएंगे तो ये मतलब सीरीज कन्वर्जेंट मिल रही है पहला भी है दूसरा भी, तो जब दो कन्वर्जेंट सीरीज को सम करेंगे तो वो भी तो कन्वर्जेंट ही होगा ना। हाँ ब्रेक कर लो, सही बात सही है, तुम ऑड टर्म पे अलग कर लो इवन टर्म पे अलग कर लो है ना, और सर ये लग रहा फिर n माइनस वन को जो पावर है वो कॉमन ले लो, n 9 अपॉन 16 हो जाएगा और जो a है वो लेस देन 1 है। तो ज्योमेट्रिक टाइप की सीरीज बन जाएगी, हो जाएगा मतलब इस तरीके से कन्वर्जेंट आएगा ये, और ज्योमेट्रिक टाइप की है और इसका जो कॉमन रेशियो होगा वो लेस देन 1 होगा, तो आ जाएगा इस तरीके से। दो पार्ट में ब्रेक कर लेना, ऑड का अलग इवन का अलग, फिर वो सम कर लेना। एफ ए बी से आर में बी ए फोर टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन,
such that fourth derivative is positive for this. And C A B के बीच में इस तरीके से F dash C बराबर F double dash C बराबर F triple dash C and all are zero. Okay, so slope at C ना F dash का slope सबका slope zero है. So करो F has a minima at C. So function F जो होगा minimum होगा C point पे. क्योंकि तुम्हें पता है ना डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाता है तो टेस्ट फेल हो जाता है. सो लाइक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कुछ नहीं कहेगा और थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो है इसका. सो यू हैव टू प्रूफ इट. प्रूफ करना है कि एफ का मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है सी पे. तो मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है सी पे मतलब क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है. अगर सी के अलावा कोई और पॉइंट ले लो तो उसकी वैल्यू उससे कम होगी. मतलब ऐसा है कि डेफिनेशन क्या होगा, एक जो एक्चुअल डेफिनेशन है मतलब जो मिनिमम होने का क्या है वो, कि एफ सी इज लेस देन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. तो यहाँ आर ना लेके इंटरवल ए भी लिया हुआ है फॉर ऑल. ये तुम्हें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि एफ एक्स एफ सी इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस. इसका मतलब है एट एक्स इज इक्वल टू सी. तो ये प्रूव कर दिया ठीक है. ये डेफिनेशन लिखा हूँ मैं जस्ट मिनिमम का. या और भी तरीके हो सकते हैं, कैन थिंक ऑफ. नेक्स्ट क्या है, फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जीरो जीरो. डेफिनेशन पता है तुम्हें, ऐसे कर लो. और चेक फॉर द कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी ऑफ एफ एट पॉइंट जीरो जीरो. कॉन्टीन्यूटी मुझे लग रहा है होगा क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है. आई वांट टू टेक द कर्व. ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करना पड़ेगा. तो एक और कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी का, कि लाइक बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल. वो भी एक तरीका है. इफ एफ एक्स एंड एफ वाई मतलब एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बोथ एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. मतलब फंक्शन इन टू वेरिएबल इज कंटिन्यूअस. क्या बोला, फंक्शन इन टू वेरिएबल इज डिफरेंशिएबल. अगर दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है और वो कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होगी. इज इट. नेक्स्ट, सब सो गए क्या, ज्यादा टाइम हो गया. ओके कितने क्वेश्चन, 24. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस. तो ये उस टाइप का है जो अभी हमने किया था, द ट्रिपल इंटीग्रेशन डी जेड डी वाई डी एक्स. ठीक है, जेड के लिए में जीरो से लेके यहाँ से जेड निकालना इक्वेशन से, फिर जेड को जीरो रखो हटा दो, फिर वो प्रोजेक्शन ले लो एक्स वाई प्लेन में, है ना. और वाई के लिमिट होगी जीरो टू, फिर उसमें जेड हट चुका है तो वाई की वैल्यू निकाल लो एक्स के टर्म में. ये तो क्वेश्चन आता होगा तुम लोग, क्या होगा तुम्हें ना. वॉल्यूम क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी जेड डी वाई डी एक्स, फिर जेड की लिमिट जीरो टू, यहाँ से फाइंड कर लो जेड की वैल्यू इस इक्वेशन से. ठीक है, जो भी आएगा 12 माइनस सिक्स माइनस फोर वाई अपॉन थ्री. फिर ऐसे ही वाई की लिमिट जीरो टू, वहाँ पे जेड हटा दो तो वाई आएगा 12 माइनस सिक्स एक्स अपॉन फोर. ठीक है, ये वाई की अपर लिमिट होगी 12 माइनस सिक्स अपॉन फोर. एक्स की लिमिट फिर वो एक्स वाई हटा दो, सो एक्स जीरो से लेके 12 अपॉन सिक्स टू तक, एक्स जीरो से टू तक होगा, उसको इंटीग्रेट कर लो. ए दे रखा है, फाइंड द बेसिस ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए. तो नल स्पेस क्या होता है, कोई बताओ मुझे, व्हाट इज नल स्पेस. एक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए. हाँ, सेट ऑफ एक्स सच दैट ए एक्स इज जीरो. तो नल स्पेस का मतलब है वो सारे एक्स कलेक्ट करो. अरे म्यूट करो. एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो इसको बोलते हैं नल स्पेस ऑफ ए, वो सारे वेक्टर्स जिसके लिए ए एक्स जीरो हो जाए. ओके, और रेंज स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ वाई सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स जो वेक्टर होगा. ओके, या सेट ऑफ ए एक्स यू कैन राइट. सो मैं नल स्पेस चाहिए. ठीक है, वो सारे एक्स काउंट करना है जिसके लिए ए एक्स जीरो हो जाए. ए एक्स को जीरो कर दो, एक्स होगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, उससे आ जाएगा. ये सिलेबस में नहीं है 25,
और उनका यहाँ खत्म हो गया। ओके सो 25 क्वेश्चन आते थे पहले, मतलब 8 में 2008 में 25 क्वेश्चन आए थे, तो ये करना ही नहीं है 25 वाला, 24 तक करना है। अब बाकी जो 2007 में जैसे एक दो क्वेश्चन हमने करना रहेगा, इसका प्रूफ इसमें रह गया, प्रूफ करना कि x मोर देन इक्वल टू 7 इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, और एक 21 में रह गया, नहीं तो हो गया था ना 21 में क्या रह गया था, हाँ इसमें ये फाइंड करना था थीटा का वो क्या होगा, तो वो ऐसे हो गया है, इसने भी भेजा है, सो आई विल ठीक है 9 बज गया है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो ये दो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, और 25 का थोड़ा सा डाउट ये था कि इसमें दो पार्ट लेना है नहीं लेना, तो ये मैं डिस्कस करता हूँ, देन आई विल बी बैक नेक्स्ट क्लास। ओके ठीक है, तो अभी सब लोग 2008 वाला पेपर कंप्लीट करके भेजना मुझे, एंड देन नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट डिस्कस करेंगे, उससे हम बचा उसके बाद। ओके सो ठीक है, चलो गुड नाइट, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।